अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू शाने सहूर। कौन सा रोजा है आज, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कौन सा रोजा है। नौरीन अस्सलामुअलैकुम। बारहवा गुजरा, मैं गिनती करके आपको अगले ब्रेक में बताऊंगी। 13th है ना। हाँ, ये कैसे गुजर रहे हैं रोजे, पता तुम बेचारी खवातीन को चल रहा होगा जो किचन में खड़े हो के फुल खाने पका रही हैं, फुल घर की सफाइयाँ अभी से शुरू हो गई हैं, फुल उन्होंने बच्चों को सहरी करानी है, अफतारी करानी है, और फिर सब कुछ खुद करी होती है। वैसे माने ना माने, आप एक बात हकीकत है, कुर्बानियाँ ज़्यादा खवातीन देती हैं, चाहे कुछ भी कह लें। मर्दों का ज़माना है भाई, मर्दों की दुनिया है, खवातीन बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग होती हैं। अब अगर मैं ये बात यहाँ से शुरू करूँ कि चाहे वो पढ़ाई में कितनी भी अच्छी हों, चाहे वो कितनी भी टैलेंटेड हों, चाहे वो कितनी भी करियर ओरिएंटेड हों, लेकिन जब वो बीवी बनती हैं और वो जब माँ बनती हैं, उनकी स्किल्स, उनका टैलेंट, वो सब पीछे चला जाता है। सबसे पहले जो सरे फहरिस्त उनकी प्रायोरिटी होती है, वो होती है उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनका घर। ऑफिस में बैठी होती है, दिमाग ये लगा होता है कि आज जो है ना वो ये पकाऊंगी, घर जाके जाले साफ करने हैं, बच्चों को होमवर्क कराना है, सारा दिमाग ऐसा चल रहा होता है। चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई पायलट हो, चाहे कोई मॉडल हो, चाहे कोई एक्ट्रेस हो, और उसको ये भी पता हो कि वो कितनी टैलेंटेड है। मैंने बड़ी बड़ी पोजीशन होल्डर्स देखी हैं, मैंने बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस देखी हैं, मैंने बड़ी बड़ी मॉडल्स और स्किल्ड प्रोफेशनल पढ़ाई करके जॉब करने वाली देखी हैं। बच्चे और अपनी घर की खातिर वो अपने करियर्स को कुर्बान कर देती हैं, और फिर ज़िंदगी की एक स्टेज पर जब उनको लगता है कि अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनका घर इतना सिमट गया है कि वो अपना थोड़ा सा मी टाइम निकाल सकती हैं, फिर वो जो एक खलिश रह गई, कुछ भी कहें, जब आपके पास स्किल होती है, आपके पास टैलेंट होता है और लोग सराहते हैं आपको, तो अंदर एक खलिश होती है कि जब भी आपको ज़रा सा मी टाइम मिलता है, आप उस खलिश को पूरा करने निकल चलते हैं। मेरे पास आज के इस प्रोग्राम में तो ऐसी ही टैलेंटेड सेलेब्रिटी हैं जिन्होंने पहले आई दुनिया में अपने आप को मनवाया, लेकिन जब घर घरस्थी संभाली, जब अपने घर को, ससुराल को, मैके को, बच्चों को संभाला, सो उन्होंने सब चीज़ें पीछे छोड़ दी और हम उन्हें याद करते रह गए। इतना अच्छा लग रहा था मुझे इनको इनवाइट करना कि शुक्र है बड़ी मुश्किलों से ये दोनों सेलेब्रिटीज़ हमारे लिए टाइम निकाल सकी। हमारे लिए क्या, आपके लिए, क्योंकि आप इनको मिस करते हैं। आप आज बिल्कुल फ्लैशबैक में चले जाएंगे, आपको वो सारे दिन याद आएंगे जब आप इनको स्क्रीन पे देखते थे, जब कैसेट्स में इनके गाने सुनते थे। सो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और आपको भी एक्साइटेड होना चाहिए, क्योंकि पता है नौरीन, हमारे पास आज मानी हुई सिंगर अफशां अहमद, जो बचपन से ही इस फील्ड में आ गई थी और बचपन से ही वो गाना गाती चली गई, बहुत सारे बच्चे उनके साथ बड़े हुए हैं, exactly. उनको सुना है, लेकिन जैसे ही वो शादी हुई उनकी कुछ ही अरसे बाद, वो टीचिंग करने लगी लेकिन वो स्क्रीन से गायब हो गए और उनको फिर बड़ा मिस किया गया। कभी कभार जिंगल्स में उनकी आवाज़ सुनने को मिलती थी, लेकिन बहुत प्यारी आवाज़, बहुत प्यारी गायकी और एक लाइवलीनेस थी उनके पास, जो कि अभी भी होगी। उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और ये जांच पड़ताल करेंगे कि वो किधर थी, और फिर साथ एक और बड़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस जिनको वही वो टैलेंट विरसे में मिला उनके फादर की तरफ से, डिसेंट, एजुकेटेड, वेल बिहेव्ड, इतनी प्यारी एक्ट्रेस हमारे इंडस्ट्री में आई। बहुत कम अरसे उन्होंने काम किया, बड़ी अपनी टीनेज के वक्त में, और फिर जल्दी से शादी हुई तो शादी के बाद ऐसी भागी, बिल्कुल स्क्रीन से गायब। क्या कर रही थी वो, कोई प्रोफेशनल और कोई प्रोफेशन अपनाया था, कहीं और थी, स्क्रीन क्यों छोड़ दी थी, ये सारे सवालों के जवाब आज मेरे दिमाग में हैं।
दोनों सेलिब्रिटीज़ के लिए। सो बड़ा इन्जॉय करेंगे आज का शो और उनके लिए हम कुछ खातिर तवाज़ो भी करेंगे और उस खातिर तवाज़ो के लिए हमारा साथ देने के लिए नौरीन अंसारी होती हैं हमेशा। जी नौरीन, क्या हाल है आप, कैसी हैं? ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। आपने सुना है अफशा अहमद को? बहुत सुना है ना, बहुत इनकी कहते ना कोयल वाली सुरीली आवाज है ना, बहुत अच्छी, अल्लाह की तरफ से। एग्जैक्टली, गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड। और आज तजीन की एक्टिंग देखी है आपने? तजीन हुसैन, तलत हुसैन की बेटी। जी जी, उनकी भी एक्टिंग देखी, वो भी पावरफुल, बड़ी जबरदस्त काम, एनर्जेटिक वाली चीज ना, एनर्जेटिक नहीं, बड़ी ठहराव वाली पर्सनालिटी है। हाँ, उनकी पर्सनालिटी बड़ी ठहराव वाली, ओके, बड़ी संभल के बोलना, बड़ा सोच के एक्ट करना। अच्छा अच्छा। सो आएंगी वो, सो मैं उनकी क्लिप्स दिखा के आपको प्रॉपर याद दिलाऊंगी कि उन्होंने कहाँ कहाँ किस किस ड्रामे में काम किया। काम किया लेकिन मंझावा काम किया। और अब दोबारा आ गई हैं फील्ड। देखें, गुड। क्या पकाएंगी आप उनको आज? हम बना रहे हैं, अच्छा मैं दुबई गई थी ना निदा, तो मैंने एक रेस्टोरेंट में खाया था, एक स्टार्टर था जो कि स्पिनच के साथ बना था, पालक के पत्तों के साथ बना था। अच्छा। वो उनकी चाट होती है, एक पालक के पत्तों को डीप फ्राई करके उसके साथ हम पीनट्स को सर्व करते हैं, छोले होते हैं, चटनियाँ दो तीन किस्म की होती हैं, थोड़ा सा इसमें निमको टाइप चीज होती है। आप रमजान में गई थी? क्योंकि हम तो पालक के पकौड़े बनाते हैं, हम चने की चाट अलग बनाते हैं। नहीं, वो हम ये डिफरेंट, मैं रमजान से पहले गई थी। अच्छा। तो वहाँ मैंने एक स्टार्टर खाया था, ओ, तो वो मैंने आज यहाँ बनाया है। फुल अफतारी मटेरियल है ये? अफतारी, बिल्कुल अफतारी मटेरियल है। एक अफतारी मटेरियल, एक सैरी मटेरियल हम बना रहे हैं। इसको क्या कह रही हैं आप, नाम क्या है इसका? इसका स्पिनच चिकपी चाट है। स्पिनच, स्पिनच पालक की चाट। हाँ, चिकपी छोले की चाट, ठीक है। और वो स्पिनच के साथ हम सर्व करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ डीप फ्राई करके पीनट्स भी है उसमें, रोस्टेड सैलेड भी है, बहुत सारी चीजें, जबरदस्त। अच्छा, और हम दूसरा जो बना रहे हैं वो सैरी के हिसाब से, दैट इज बादामी कोरमा। वो मटन का कोरमा हम बना रहे हैं, जिसके लिए हमने प्याज लिया था, मैंने उसको ब्राउन किया, फिर उसको मैंने योगर्ट में बादाम के साथ ब्लेंड कर लिया था, बादामी कोरमा। अच्छा अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा कुटा हुआ मसाला है इसमें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और ये तेज पात है इसके अंदर, मेस है, जीरा है, और थोड़ा सा गरम मसाला है, साबुत गोल मिर्चें हैं, ये दालचीनी, हम इन सबको ग्राइंड कर लेंगे मसाले को। अच्छा। जो कोरमे का मसाला, देही लाल मिर्च के साथ, तो ये कोरमा बन जाएगा, और साथ में इसके शीरमाल। आई अल्लाह, मेरे खुदा। और एंड में जो हम बना रहे हैं वो खट्टी मीठी लस्सी। अच्छा, मगर लस्सी थोड़ी सी बन जाती है, तो लस्सी बनाएंगे इसके साथ हम। ओए होए होए, मजेदार जी। अब मुझे ये नहीं पता कि हमारे जो सेलिब्रिटीज हमारे पास आने वाले हैं आने सहूर में, वो खाने के कितने शौकीन हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि एक्चुअली मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इनको कभी इंटरव्यू किया है। अच्छा। आज पहली बार वो मेरे शो पे आएंगी, ओके, और मैंने उनसे बहुत सारी बातें करनी है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो हमें SMS कर सकते, वरना हमारे पास इतने सवाल है कि टाइम कम पड़ जाएगा। सो एक छोटे से वक्फे के बाद, हाथ धो लिया आपने? हाथ धो लिए, पहले ही धो के मैंने दस पहले। चले, ये तो बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, चले जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाना, आप हाथ मुंह धो के, सब चीजें इधर उधर रख के, जरा इसी तरह की कोई चुगने वाली चीज अपने सामने रखिए, क्योंकि जब मैं आऊंगी तो फिर आप कहीं नहीं जा पाएंगे। शाने सहूर, वेलकम वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शाने सहूर, और आज की मेरी जो दो मेहमान हैं उनके अंदर सबसे बड़ी कॉमन बात यह है कि उन्होंने अपने स्किल्स, अपने करियर को पीछे रख के फैमिली को टाइम दिया, और काम करती रहीं लेकिन साथ साथ घर गृहस्थी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। और दूसरी कॉमन बात यह है कि दोनों टीचिंग की फील्ड में अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाती रहीं। सो आइए, जो मेरी पहली गेस्ट है जिनको मैं बुलाने वाली हूँ, जिनको आप 3.5 साल की उम्र से इस स्क्रीन पर देख रहे थे और फिर वो एकदम गायब हो गई और हमें तरसा गई, उनको पहले वेलकम करते हैं। उनके लिए एक छोटा सा पैकेज मेरी टीम ने बनाया है, ज़रा उनको दिखाते हैं और आपको भी दिखाते हैं, और आपको याद दिलाते हैं कि जो हमारी प्यारी सी अफशा अहमद है, ये है हमारी एक मेहमान। चले उनका पैकेज देखें। म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जो कई सालों से अपनी आवाज का जादू अपने मद्दाहों के दिलों पर चला रही है, वो बनी है आज हमारे शो की मेहमान। सो आइए, आपके लिए आज का तोहफा, शाने सहूर की मेहमान अफशा अहमद। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया आपने याद किया।
आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, योलो स्मार्ट वॉच. बहुत शुक्रिया डिजाइनर. थैंक यू डिजाइनर कलेक्शन प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस. और ये है एक और रमजान का तोहफा WB बाय हिमानी की तरफ से आपके साथ जाएगा. थैंक यू सो मच. प्लीज तशरीफ रखिए. सो मैं पहले अपनी अगली मेहमान को भी बुला लेती हूँ. और उनको बुलाने से पहले भी हमने एक बहुत प्यारा सा पैकेज उनके लिए बनाया है, वो भी शुक्र अल्लाह का कि स्क्रीन पे अब दोबारा नज़र आने लगी. बड़े तरसे हुए थे हम उनकी एक्टिंग को देखने के लिए. सो आइए हम वेलकम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पैकेज दिखाएंगे प्यारी सी तज़ीन हुसैन का और फिर उनसे मिलवाएंगे. माजी के मशहूर मारूफ लॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार तलत हुसैन की साहबजादी और हमारी मीडिया इंडस्ट्री में बतौर अदाकारा अपनी शनाख्त रखने वाली तज़ीन हुसैन आज बनी है शान सहूर की मेहमान. सो आइए वेलकम करते हैं हमारी दूसरी मेहमान इस शान सहूर की, तज़ीन हुसैन. अस्सलाम वालेकुम. रमजान मुबारक एंड थैंक यू सो मच आपका प्रेशियस टाइम देने के लिए. ये आपके लिए छोटा सा तोहफा, योलो स्मार्ट वॉच की तरफ से डिजाइनर कलेक्शन प्रीमियम स्मार्ट वॉच. थैंक यू सो मच. और एक और तोहफा वसीम बदामी WB वाह माने की तरफ से. थैंक यू. प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए, प्लीज बैठिए. हाँ जी, दोनों का ताल्लुक अलग अलग फील्ड से है, इनका म्यूजिक से है, आपका एक्टिंग से है, लेकिन कॉमन बात जो मुझे आप लोगों की ये लग रही थी, मैंने कहा कि इनको इकट्ठे इसलिए बुलाते हैं. मैंने प्रोग्राम ही आज इस तरह शुरू किया कि चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, औरत पायलट हो, एक्ट्रेस हो, मॉडल हो, सिंगर हो, सारी औरत एक जैसी होती है. जब वो माँ बनती है, जब वो बीवी बनती है, जब उसको घर गृहस्थी संभालनी होती है, सो वो सब चीज़ें पीछे छोड़ देती है, प्रायोरिटीज़ उसकी चेंज हो जाती हैं. और आप दोनों के साथ ऐसा ही हुआ, गायब हो गई दोनों, शादी हुई आप भी गायब हो गई और आप भी गायब हो गई है ना. सो मैं अफशा आपसे शुरू करती हूँ. जी जी. क्या कहूँ मैं आपको, अफशा जी कहूँ, समझ नहीं आ रही. जो दिल चाहे. मेरी अम्मी के साथ भी आपने बहुत काम किया. जी जी. जाहिर है. तो 3-3.5 साल की उम्र से आप, ये मेरी वालदा मुझे बताती है, मुझे हाँ, थोड़ी पता है. जाहिर है. तो आपकी अम्मा कोई प्रोग्राम एक्टिंग वो भी करती थी. जी जी. वहीं से आप एंटर हुई कैसे? फर्स्ट मेरी अपीयरेंस उसी में थी. अच्छा. और वो उस प्रोग्राम का नाम था हमारी शाम. अच्छा. बच्चों का प्रोग्राम था. हाँ, पीटीवी पर. पीटीवी पे उस वक्त पीटीवी होता था. हाँ हाँ हाँ. जब तो आपकी अम्मी होस्टिंग करती थी, वैसे तो उनका प्रोफेशन टीचिंग था ना. जी जी जी. वो एजुकेशनिस्ट हैं, मगर वो बस कुछ ऐसे हालात हुए कि उनसे मुलाकात आफ्ताब अजीम और असलम अजहर साहब इन सब की हुई, और फिर उन्होंने ये कहा कि आप ये बच्चों की ले करें. हाँ. तो उसमें मैं जो हूँ एक या दो मरतबा आई थी. एंड देन ऑफ कोर्स चूँकि अम्मी का प्रोग्राम था तो वो ये नहीं चाहती थी कि हर वक्त ही वो अपनी बेटी हाँ. को उसमें लेकर आए. हाँ. मगर फिर उसके बाद फिर मैं बच्चों के प्रोग्राम में जो आपने अभी देखा सुहेल राणा का. छोटी सी. तो आपके घर में किसकी आवाज़ अच्छी थी जो आपको विरसे में मिली, पेरेंट्स में से किसी? मेरी वालदा. अच्छा. मेरी वालदा पाकिस्तान रेडियो की बहुत सीनियर वोकलिस्ट हैं. रही हैं, अब तो खैर नहीं, मगर रही हैं माशाल्लाह. जी. उन्होंने टेलीविजन से भी गाया. अच्छा. और मगर कम, क्योंकि वो उनका कॉलेज में वो पढ़ाया करती थी और उसके बाद वो पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर में डायरेक्टर कल्चरल अफेयर्स थी. exactly. तो बस वो कभी कभी ऐसा पीएससीसी में ही मेरी काफ़ी दफ़ा मुलाकात जी हुई होगी. और तो उन्होंने गाया और मेरी मेंटोर, मेरी उस्ताद मेरी वालदा ही रही. उन्होंने ही मुझे जो है, हालांकि उन्होंने कभी नहीं सीखा. हाँ. वो गिफ्टेड आर्टिस्ट है. ओके. उन्होंने कभी नहीं सीखा, मगर ये है कि हमारे मेरे ननिहाल में, यानी अम्मी, मेरी नानी, अम्मी की खालाएँ, हाँ. सब बहुत खूबसूरत आवाज़ें सबकी थी. अच्छा अच्छा. क्योंकि अम्मी बताती हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग होती थी. हाँ. वो रेडियो, हम रेडियो से बस कान लगा के हल्के हल्के सुनते थे. हाँ. उसके साथ साथ गाते थे. ओ. तो जाहिर है उस जमाने में म्यूजिक स्कूल जा रही है तो थे, नहीं, थे भी नहीं. और फिर बड़ा मायूब समझा जाता है. सुनने की भी इजाजत नहीं थी. हाँ. एक जोर से सुनते नहीं, के लिए बिल्कुल कान लगा के हल्का सा हम सुना करते थे. हाँ. रजाई के अंदर ही. हाँ. so, आपको वो इजाजत इसलिए मिल गई ऑन स्क्रीन आने की क्योंकि एक अम्मी की सपोर्ट थी.
वरना आपके जमाने में भी बहुत ज्यादा लड़कियां नहीं आ रही होती थी, वो भी सिंगिंग की फील्ड में। असल में मेरे वालिद, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, वो बहुत ही ज्यादा लिबरल और बहुत ही आज़ाद ख्यालात। और वो क्या करते थे प्रोफेशनली? मेरे वालिद जो हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल्स में थे। अच्छा 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 अच्छा। तो उन्होंने हमेशा इनकरेज किया हम तीनों को कि जो मर्जी करो, हाँ। बस पढ़ाई ठीक होनी चाहिए। हाँ। तीनों मतलब आपके दो बहन, माशाल्लाह दो भाई और मैं छोटी हूँ, सब एक इकलौती बहन। हाँ। अच्छा। तो बस ये था कि पढ़ाई को तरजीह। हाँ। इसमें ग्रेड्स आपके मतलब नंबर कम हुए तो फिर हर एक्टिविटी बंद। ओके। तो हमने सब कुछ किया, स्पोर्ट्स भी बहुत किया, स्विम किया। भाइयों में भी कोई क्वालिटी है जो ये हम तीनों में मिली? हम तीनों बहुत अच्छा सुनने लगे, तीनों गा सकते हैं, तीनों बजा सकते हैं, मगर ऑफ कोर्स मेरे भाइयों ने कभी इसको परस्यू नहीं किया। हाँ। एक काफी था। तो उनको शौक भी नहीं था क्या? नहीं, शौक ये नहीं था कि वो गाएं। अच्छा। और स्क्रीन पे आए, मैं तो बस फिर वो कुछ होता चला गया। मैं बच्चों के प्रोग्राम में जब मैं आई तो बस सोहेल साहब ने फिर मुझे यूं पकड़ लिया। और उस पे भी बड़ी धमकी होती थी वालदैन की। अच्छा। बेटा पढ़ाई, और वो संडे को होता था। हाँ। और बल्कि उससे पहले मैंने रेडियो किया, मैं बच्चों की दुनिया में जाती थी, जावेद मीर साहब जी, अल्लाह पाक उनको, वो मेरे टीचर थे। हाँ। मेरे म्यूजिक टीचर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भी जिनसे मैंने एक भी चीज़ सीखी। हाँ। हो, मैं उनको उस्ताद मानती हूँ। हाँ। तो उनके साथ मैं काम करती थी, बच्चों की दुनिया होता था, वो भी संडे को होता। हाँ। था ना। तो मगर अब ये कि संडे को आपको टीवी पे आना है या आपको रेडियो पे जाना है, तो बच्चे के लिए तो जी वेरी अट्रैक्टिव कि हम अपने आप को स्क्रीन पे देखेंगे। ओ यस, ओ यस। तो बाय एक्सीडेंट फिर मैंने कहा नहीं, टीवी अच्छा है। दोनों काम हो नहीं सकते। तो ऐसे शुरुआत हुई, ऐसे शुरुआत हुई। हाँ, बच्चों के प्रोग्राम, बच्चों के प्रोग्राम। मैं तजीन से पूछना चाहूंगी, तजीन आपने तो आप घर में वही माहौल देखा था अब्बा का एक्टिंग करते हुए, एक लेजेंड माशाल्लाह पाकिस्तान के, वो लम्या उनको सेहत याबी के साथ लंबी जिंदगी दे, आमीन। सो आपका इरादा था कि मैं भी एक्टिंग करूँ, वो तो आपको जीन्स में मिली गई थी भाई। नहीं, आई डोंट थिंक कोई ऐसा इरादा था, बस आई थिंक शायद अब्बा के, तुम्हारे अब्बा का शायद मैंने ड्रामा किया था फर्स्ट, जो मुझे याद पड़ रहा है। हाँ। सो दे वर फ्रेंड्स, राइट? अब्बू आपके, अब्बू बहुत काम करते थे, इकबाल अंसारी, यू नो ऑल ऑफ देम। सो ऐसे ही होता है कि हमें बच्चा है कोई, जिसका बच्ची का कैरेक्टर या बच्चे का कैरेक्टर, मैंने सारे लड़कों के कैरेक्टर्स किए थे व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड। बॉयकॉट बाल थे क्या? बॉयकॉट बाल थे, तो हमेशा लड़कों के कैरेक्टर्स मुझे ऑफर होते थे। एंड आई थिंक तुम्हारे अब्बा के ड्रामे में भी मैंने लड़के का ही कैरेक्टर किया था। सो दैट वॉज द बिगिनिंग, देयर वॉज नो इंटेंशन कि मैं करना चाहूंगी टेलीविजन, बट वो बस बाई डिफॉल्ट आप कर लें और कर लिया। फिर उसके बाद जब वो, जब आप छोटी थी तब किया, फिर करती रही एज अ चाइल्ड स्टार या फिर बड़े होके फिर दोबारा? सो नाउ हियर इज समथिंग तुम्हारी टीम ने मिस कर दिया। हाँ। सो अफशा एंड आई हैव एन अदर बॉन्ड एज वेल। हाँ। हाउ कम? वी बोथ, इन्होंने मुझे आज बताया, वी बोथ सैंग विद सुहेल राणा। ओह माय गॉड, अब गाती भी है? ये कहाँ का टैलेंट छुपा हुआ है? मैं अब नहीं गाती। हाँ। लेकिन मैंने उनके साथ ट्रेन किया, मैंने गाया, सो आई वॉज पार्ट ऑफ द लास्ट शो दैट सुहेल राणा डिड, संग संग चले आया करता था। हाँ। 1988 में, आई रिमेम्बर, अम्मी ने भी, मेरी अम्मी ने डायरेक्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आई डोंट नो आप कौन से वाले डायरेक्टर के साथ आई होंगी? इकबाल अंसारी, क्योंकि अलग अलग वो सहमाइयां उनको मिलती रहती थी। सहमाइयां अलग अलग होती थी, नाम भी चेंज तब्दील होते थे। अच्छा, कुछ अरसे ये प्रोग्राम इकबाल लतीफ, इकबाल लतीफ जी, कुछ अरसे ये प्रोग्राम फिर इस्लामाबाद भी चला गया था या लाहौर, वन ऑफ द टू, इस्लामाबाद। बच्चों को फिर मौका मिलता था ना, हर शहर के बच्चे शामिल हो, और बहुत सारे लोगों को संग संग चले, सबको याद होगा। है ना? सो ये भी हमारी एक बॉन्डिंग थी। अच्छा, कि वहां सब संग संग चले में ऑडियंस में हम भी गए, मैं भी गई हूं। सो मेनी कनेक्शंस, देखो यहां पर निकल रहा है ना। सो ये फिर उसके बाद ना एक ही चैनल था टीवी, तो उस पे आना तो एक बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, सिर्फ वो चैनल नहीं होता था, वो एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्युटली राइट, इट वाज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इट वाज अ कल्चरल हब, आर्ट की उसके अंदर प्रमोशन होती थी,
टैलेंट की प्रमोशन होती थी, तो इट वाज लाइक अ फुल एक आप समझ और डिबेटर्स आते थे, एक दर्शक तदरीस की जगह थी वो, चाहे वो एक्टिंग था, गाना था। ये चीज हम बहुत मिस करते हैं हमारे बच्चों के लिए, बिल्कुल है, बहुत मिस करते हैं हम। अब वो चीज यूट्यूब ने इख्तियार कर ली और कोई भी कहीं भी कैसे भी हर कोई अप्रोचेबल है। आपको मैं बताऊं और शायद तजीन मेरे साथ मुत्तफिक होंगी कि हम बच्चों के प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक तो वो लाइव भी होता था कभी कभी और कभी कभी रिकॉर्डेड भी होता था, मगर उस 20 मिनट के प्रोग्राम में हर दफ़ा सोलो थोड़ी होता था, ज़्यादातर कोरस होते थे। हम तीन रिहर्सल्स पे जाते थे, तीन रिहर्सल्स पे जाते थे और जिसमें दो में हम अपना स्क्रिप्ट देख सकते थे, तीसरी में हमें स्क्रिप्ट नहीं इजाज़त नहीं होती थी, और फिर ऑफकोर्स हम, तो आप सोचें कि एक कोरस प्रोग्राम, बच्चों का प्रोग्राम जिसमें चलो गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं, उसमें कितनी मेहनत थी, बहुत मेहनत थी। अच्छा, मैं तजीन से पूछ रही थी कि जैसे आप बचपन में तो आ गए हैं एज चाइल्ड स्टार, मुझे याद है आपने मेरे हस्बैंड के साथ भी उसकी डायरेक्शन में भी उसका पहला ड्रामा एज डायरेक्टर, उसमें तजीन एक्टिंग कर रही थी, लीड रोल था, और वो तो मैं पता नहीं अजबर हुआ हुआ, मैंने कितनी दफ़ा देखा है वो हमारे घर में चलता रहता था लूप की तरह। सो तजीन फिर कब, कितने ब्रेक के बाद दोबारा एक्टिंग में आप, बहुत मेरीन के प्लेज में भी नज़र आती थी सिंगल प्लेज में। मैंने तकरीबन आई थिंक 20 इयर्स की गैप ली होगी। अच्छा, 20 इयर्स, 18 टू 20 इयर्स की गैप जरूर है। अच्छा, मतलब कि आप जब आप जब मैंने छोड़ा हाँ। और तुमने ये कहा कि मैंने शादी के बाद छोड़ा, मैंने शादी के बाद ही छोड़ा, मैंने शादी के कुछ अरसे के बाद छोड़ा अच्छा, शादी के फौरन बाद नहीं छोड़ा था? नहीं नहीं नहीं, आई वाज एक्टिंग, ये जो इनफैक्ट तुम लोगों ने अभी एक मेरा प्ले दिखाया हुमायूं के साथ, तो वो मेरी बेटी मेरी 2 साल की थी उस वक्त मैंने किया था। उस वक्त यूट्यूब नहीं होता था ना, तजीन पता नहीं चलता था किसकी शादी हो गई, किसके बच्चे हो गए, अब तो हमें सब कुछ सोशल मीडिया पे सुबह सुबह आ जाता है ना, अभी तो बच्चा हुआ नहीं होता हमें पता चल जाता है होने वाला है, लग रहा है या सो बस वो मैंने एक बीच में। तजीन के कितने बहन भाई हैं टोटल? आई हैव 2 more siblings, एक बहन है जो कनाडा में रहती हैं और फिर मेरा भाई है सबसे छोटा। अच्छा, और मेरे अपने 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह, तुमने पूछना होगा तो मैं बता देती हूं, पहले से बता दिया, माशाल्लाह। मेरी बेटी है माशाल्लाह से सबसे बड़ी मनाहिल, एंड देन आई हैव 2 sons, नाइल एंड रशाद। आई नो सो तजीन ने बहुत यंग एज में शादी कर ली थी, बहुत यंग एज थी तजीन, वो दुल्हन बनने का शौक था, ये वो लड़की थी, तुम भी तो वही थी ना। हाँ यार, हम दोनों की आवाज हुई थी तुम्हें पता है, तुम्हारा मियाँ और मैं बैठकर बातें कर रहे होते थे, मैं उसको अपने मियाँ की कहानियां सुना रही होती थी और वो मुझे तुम्हारी कहानियां सुना रहा है, वो मेरी बातें करता है, वो करता था और यासिर मेरी बहुत दोस्ती थी, बिकॉज वी डिड सम रियली क्वालिटी प्लेस टुगेदर, एग्जैक्टली, आई हैव सीन देम, एंड बस समझो कि दिल की बात, वो अपने तुम्हारे बारे में बातें मुझसे कर लिया करता था और मैं मुझे ब्रेक में बताना जरा, बिल्कुल यासिर आर यू लिसनिंग, डू यू वांट मी टू टेल हर? ओह माय गॉड, सो तजीन आपने जब शादी की सो वो बिल्कुल नॉन शोबिज पर्सनालिटी थे आपके हस्बैंड? आई डोंट थिंक सो, मैंने उनको कहीं देखा, मेरे पास फेसबुक पे पिक्चर्स हैं उनकी। नहीं, जाहिर का कोई ताल्लुक नहीं था शोबिज से, ही वाज अ फ्रेंड, हाँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब लाइक क्लास फेलो वगैरह थे या कलीग थे? अब यार इतनी बातें मत खुलवाओ तुम सारी, मैं अपनी सही है ना यार, कभी तो मिली हो टीवी पे खोल दूँ। नहीं, हम लोग की दोस्ती थी एंड वी वर अ गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एंड देन हाँ, सो आई थिंक जाहिद एंड आई डिसाइडेड कि जब सबकी शादियां हो गई तो फिर हम दोनों एंड में बच गए, हाँ तो फिर हमने सोचा हम दोनों कर लेते हैं, दोस्ती तो पहले ही थी, शादी भी कर लेते हैं। तो फिर शादी के बाद आपने थोड़ा थोड़ा, आप वैसे भी बहुत कम काम करती थी तजीन, ज्यादा नहीं आप काम करती थी? नहीं, वो इसलिए था बिकॉज़ आई वाज स्टडीइंग, राइट? अच्छा, दैट वाज अनदर थिंग, राइट? अभी हम लोग यही बातें कर रहे थे, तो पढ़ाई हमारे यहाँ भी होता था कि पढ़ाई को तो प्रेसिडेंस देना ही देना है, क्योंकि आपकी अम्मी एजुकेशनिस्ट, अम्मी एजुकेशनिस्ट, अब्बा भी, मतलब पढ़े लिखे तो अब्बा भी है, लेकिन अब्बा इस फील्ड में थे, अब्बा इस फील्ड में थे, और अब्बा बहुत ज्यादा डंडा नहीं लगाते थे अगर मार्क्स बुरे आ जाए, बल्कि जब मार्क्स बुरे आते थे तो हम उन्हीं से जाके साइन करवाते थे, साइन कर दे अम्मी को नहीं बताइएगा
और अम्मी जो थी वो सख्त थी. हाँ. तो यस, सो फिर मैंने जब मेरी डिग्री हुई, फर्स्ट डिग्री, उसके थोड़े अरसे के बाद फिर मेरी शादी हो गई. ओके. उसके बाद की कहानियाँ इन दोनों की मुझे जाननी है, कैसे आई, क्या आई, ये तो पता चल गया आपको, लेकिन फिर उसके बाद जिंदगी में इनके क्या क्या हुआ? कितने सालों बाद मिली है? 15 साल हो गए मेरे शो को, कभी भी नहीं आई ना मेरे शो पे, आप भी नहीं आई ना, आपने बुलाया ही नहीं. अल्लाह, बहुत दफा ऐसे नहीं गए, बहुत दफा बुलाया, एक दफा आपने बुलाया था. वो मुझे याद है. मैं नहीं आ सकी थी उस टाइम पे किसी वजह से, क्योंकि अपने घर के सारे काम ये खुद करती, कपड़े भी खुद धोती. ब्रेक के बाद मैंने बताना आपको, शाने सहूर कुछ सीखिए. वेलकम वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज का शाने सहूर तज़ीन हुसैन एंड अफशा अहमद के साथ. और मैं इनसे भी बात करी थी ब्रेक पे जाने से पहले, मैंने आप लोगों को कहा कि इनके पास टाइम क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि अपनी घरदारी खुद संभालती. और मैं इतनी हैरान हो गई तज़ीन, तो मैंने ये रिसर्च में मुझे पता चला कि अपने कपड़े वपड़े सब खुद धोती हैं. वाकई ये शौक है? नहीं, शौक की बात नहीं है, मत शौक मेरा ये है, मिल जाती है यहाँ तो मज़ा तो यही है पाकिस्तान में रहने का. शौक ये है कि मैं अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखूं, हर चीज़ अपनी जगह पे हो, बहुत सिंपल घर है मगर चीज़ें जगह पे हों, हाँ, साफ हों. हाँ. मेरे पास पेट्स हैं, उनका ख्याल मैं खुद करती हूँ. इनके तो 3 बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे? माशाल्लाह 2. माशाल्लाह, बेटा बेटी? अरे वाह. और आपकी भी शादी बहुत जल्दी हो गई थी ना? हाँ, जल्दी मतलब ग्रेजुएशन कर लिया था. ग्रेजुएशन कर लिया था. अम्मी ने ढूंढा था या आपने ढूंढा था? ये तो जरूरी है ना. हाँ, नहीं नहीं, मैंने नहीं ढूंढा. अरेंज मैरिज या उन्होंने आपको ढूंढा? हाँ. और आपके तो बड़े रिश्ते आते होंगे टीवी पे. हाँ, क्योंकि उस जमाने में ये असल में पता नहीं, मैं इतनी चीजें किया करती थी सिंगिंग के अलावा. मैं स्विम करती थी चैम्पियनशिप्स के लिए, मैं स्क्वाश खेलती थी चैम्पियनशिप्स के लिए, बट नॉट सिंध, क्लब चैम्पियनशिप्स. तो मैं इतनी बिजी रहती थी और उसके साथ पढ़ना, तो शादी वाज ऑन नॉट ऑन द कार्ड्स एट ऑल. लेकिन फिर भी, क्योंकि एक ज़माना था जो हीरोइंस जितनी भी आती थी या सिंगर्स, वहाँ पे लेटर्स आते थे डायरेक्टर्स को. yes. कि हम है ना, है ना, मेरी अम्मी को कितने आए होंगे. मेरी अम्मी ने भी एक दो उस जमाने की लीड एक्ट्रेसेस के लिए रिश्ते बताए थे उनको फोन करके कि फलाने फलाने है ना इंटरेस्टेड हैं. अब मैं नाम नहीं लेना चाह रही. फजीला के कैसर के इतने आते थे, बहुत सारी जितनी भी उस जमाने की खवातीन, मरीना औरत प्यारी खवातीन, हीरोइंस थी, सिंगर्स थी. सो वहीं से आए असल में हमारे. देखें, हम जिस वक्त में करते थे सिंगिंग एक्टिंग, शी मस्ट बी वेरी मच यंगर टू मी, बट उस वक्त ना हमारे घरों हमारे बैकग्राउंड से बहुत कम लड़कियां गाती थी, एक्टिंग करती थी. यू नो, सुनने को तो बहुत अच्छा लगता था, मगर अपनी बेटी से नहीं गवाएंगे. exactly. या अपनी किसी और उस लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहेंगे. यू नो, इट वाज बड़ा ही अजीब सा वो दौर था. तो इट वाज क्या कह सकते हैं, मगर सिंस वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था. और जब वक्त होता है तो वो हो ही जाया करता है, मगर ये नहीं था जैसे एक होता है कि अब तो शादी करनी है और अब तो ये करना, ऐसा कुछ भी. वही होया कि अच्छा रिश्ता आया तो फिर आपको कन्विंस कैसे किया? क्या नाम है आपके? आई थिंक देव, आई वॉज मैरिड फॉर 20 ईयर्स. माशाल्लाह. और उसके बाद हमारी अलहदगी हो गई. अच्छा, अच्छा. And now I'm married to a very, very nice man. Allah, ये हमें ये सारी बातें क्यों नहीं पता चलती? माशाल्लाह. ये मैं आज आप पूछ ही रही हैं गो कि मैं जाती बातें कभी नहीं पसंद करती करना. मगर चलें, अब आपने पॉइंट ब्लैंक पूछ लिया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है. बात नहीं, निदा एंड हर पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चंस ना, मुझे तो नहीं पता था. सीरियसली पता होता अगर तो मैं थोड़ा मोहताज होती, थोड़ी डरती. माय एक्स हस्बैंड चेस्ड मी फॉर 3 इयर्स. चेस्ड मी इन द सेंस, उनके घर वाले जब आए तो फिर मेरे वालदेन ने तो यही कहा कि हम तो आपको बिल्कुल नहीं जानते, हम इस तरह कैसे करेंगे. यू नो, एनीवे, तो बस वो किस्मत में था, हो गया. और कुकिंग का शौक़ मुझे बिल्कुल नहीं था और अभी भी नहीं है. मगर जब से मेरे बेटा हुआ तो फिर मैंने कुकिंग शुरू की उसके लिए, उसकी खिचड़ी, अम्मा कैसे बनती वो खिचड़ी, उसको चिकन कैसे बनाना है, तो क्या करना है. अलबत्ता मैं अपने कॉलेज डेज में, स्कूल मैट्रिक एंड उसके बाद
मैं बेकिंग करती थी, उसका शौक था केक बना लूँ, और चाइनीज का शौक था तो सिर्फ सूप बनाना सीखा, इससे पूछा उसे, उस दोस्त से पूछा, बस सिर्फ ये, कभी करनी नहीं पड़े बिकॉज हमारे पास हमेशा से खानसामा होता था, तो ऐसा काम कभी घर में करने की जरूरत नहीं। बेटा बेटी क्या करते हैं आपके? माशाल्लाह बेटा मेरा आर्किटेक्ट है। अरे माशाल्लाह, टाइम कितनी जल्दी हो गया। बेटी जो है उसने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंसेस में, और वो बॉस्टन में है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस तो फिर यही था कि बच्चों के साथ घर के साथ। शादी की वजह से छोड़ दी थी फील्ड? मैंने छोड़ा तो देखो निदा, मैंने भी बहुत कम काम किया है, अगर नोटिस करो। शो भी किया है वो ऐसा प्रोमिनेंट है कि लगता है कि 3 साल से काम करी है ना। अभी शो रील पे गाने सुन रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि मतलब कितने प्यारे गाने, नेक्स्ट हिट, नेक्स्ट हिट, नेक्स्ट हिट। सुनील साहब ने जब ये प्रोग्राम खत्म किया, ब्यूटीफुल अभी भी हैं, नहीं नहीं हसीन है, लेकिन हम देख, आई गेट टू हियर दिस ऑल द टाइम, लोग आते आप वही है ना, हाँ जी वही हूँ। तो कितनी अच्छी होती थी, नहीं अभी भी अच्छी है यार ऐसे। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या हो ही गया, जो भी हुआ। एनीवे तो फिर जब टेलीविजन मैंने मेरे बच्चे हुए उसके बाद भी मैं बच्चों के प्रोग्राम होस्ट करती थी जावेद मीर साहब के साथ, वो मैंने किया मेरे ख्याल कोई 2 साल किया। उसके बाद खालिद अनम ने और मैंने एक प्रोग्राम किया जरताज अली, उसको डायरेक्ट करती थी, तो बच्चों के लिए मैं काम करती रही। हाँ। और बाकी वो जो प्रोग्राम्स आते थे म्यूज़िक के उनमें भी हिस्सा लेती रही, मगर कभी भी तरजीह नहीं दी। वही मैंने मुल्क से बाहर हो गई थी बच्चों की वजह से या क्या? मैंने कभी बच्चों पे ड्राइवर नहीं रखा, आया नहीं रखी, कुक नहीं रखा। जब तक मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटी नहीं चले गए, मैंने उनको हर जगह खुद छोड़ा, खुद लिया, खाना हमेशा खुद पकाया, आज तक मैं खुद पकाती हूँ। इस वजह से नहीं कि मुझे शौक है, इस वजह से कि मुझे लगता है कि जब आप खुद काम करते हैं प्रेशर भी होता है कभी कभार, या बड़ा हाइजीनिक काम होता है, साफ सफाई से आप काम करते हैं। बिल्कुल, रखा भी है किसी को कभी कभार ससुराल की तरफ से प्रेशर भी होता है। नहीं यार आपके ऊपर नहीं था ऐसा कि तुमने पकाना है, कुछ घरानों में औरत ही पकाएगी ऐसा होता है? अब तो होता, आई थिंक होता था, मगर होता भी होगा, मगर ये कि अब तो आई थिंक कहानी इतनी बदल गई है कि अब घर में खाना तो वैसे ही नहीं पका करता था। ये एक अलग इशू है, ये तो है ना। बड़ी एक तुम्हें मजे की बात बताऊं कि मेरे बच्चे जो हैं वंस इन अ वीक या वंस इन 10 डेज, नहीं नहीं ऑर्डर इन की कोई कहानी नहीं थी। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये चल रहा होता है, ऑर्डरिंग इन खत्म ही नहीं हो रही होती। नहीं नहीं नहीं, अच्छा आप सॉरी, वंस अ वीक या वंस इन 10 डेज ऐसा होता था कि उनको कोई बर्गर खाना या कोई चीज बाहर से फास्ट फूड वो खा के तो फिर जब तक घर आते थे, मैं कोई अपने काम करती भी आ रही हूँ घर पे, तो बच्चे कहें कि अम्मा अब हम खाना खा लें। अच्छा, मैंने कहा बेटे अभी क्या खाया था, थोड़ी देर के लिए, अम्मा दैट वाजंट फूड, दैट वाज अ स्नैक, होम फूड। तो उनको इतनी आदत थी घर के खाने की और पसंद भी करते थे। मैंने अपने बच्चों की तमाम सालगिरहों में खुद केक्स बनाए, 20-20 पाउंड के केक्स भी बनाए। ये तो होता था, इवन व्हेन माय डॉटर, उसके जमाने तक तो वी वुड इन फैक्ट हर पुप्पीज वुड मेक फॉर हर। Oh. It was a sign of love, you know, that yes. somebody from the house would bake for you. Yes. So, puppy uski banati thi, uska cake, I remember. So, aapne jo kaam jo hai, thoda sa khair baat kiya tha acting ko, wo koi pressure tha ya khud hi dil se? Nahi, nahi, koi pressure nahi tha. Pakka? Koi pressure nahi tha. Pata nahi, humare paas aisi uri khabar aayi thi. Hum sab samajhte the ki Tazeen ko to Mia ne ghar bitha diya. Allah, nahi bhai. Jab Yasir mujhe kehta tha, Nida, acting chodo, maine kaha, achha, tum aise karna chahte ho mere saath. Nida, jab aapka na, रोजी रोटी आपका फनून लतीफ़ा से जो भी जहाँ से भी आपका ताल्लुक है वो नहीं होता, और आपका प्रोफेशन जो है वो कुछ और होता है, तो फिर ये आप कम ही करते हैं ना। वो तो मैंने कभी, ये खैर इजाज़त ही नहीं थी, मैंने कभी स्टेज पे नहीं गाया, हालांकि उस वक्त अगर मैं चाहती शोज वगैरह होते हैं, बाहर ट्रैवल किया, दुनिया के 14 ममालिक में मैंने पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे नहीं गया, बहुत कम, बहुत कम फंक्शंस वगैरह होते थे ना उस स्टेज, बहुत कम किया। तो फिर
जब आपका ब्रेड एंड बटर ये नहीं होता तो फिर आप इसको उस तरह से तरजीह नहीं देते। हाँ, मैंने 22 साल सीखा उस्ताद हमीद अली खान के साथ ग्वालियर घराने के। यानी जब आपने टीवी छोड़ दिया था तब भी आप रियाज करती थी? छोड़ने की बात तो खैर नहीं हुई, मगर कम जाती थी ना। हाँ, कम बिकॉज बच्चे उनको लेना छोड़ना, उनकी खुदा ना खास्ता बीमारी है, कोई उनकी सोशल लाइफ है, ननियाल ददियाल में जाना है आना है, ड्राइविंग, मतलब पूरी फुल घरेलू हो गई ना आप। अभी तक भी हूँ। हाँ। और हमेशा से थी। हाँ। और हालांकि और ये आई थिंक थोड़ा सा रिएक्शन भी है इसलिए हुआ कि मेरी वालदा जो है वो मतलब प्रोफेशनल थी तो मैं उनको देखती थी और उनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरता था। ओके। तो शायद ये हुआ कि मैं नहीं कुछ काम करना चाहती थी। ओके। एजुकेशन में ये है कि आपने आधा दिन काम किया फिर आप बच्चों के साथ घर पे हो सकते, स्कूल हो, मेरा अपना अम्मी का स्कूल था फिर मेरा अपना स्कूल था, और अभी भी मैं जो जहाँ पे जॉब करती हूँ वो भी मेरी आधे दिन की जॉब है, जहाँ पे हम गरीब घर आने की बच्चियों को सिलाई और कटाई सिखाते हैं और उससे बढ़ के हाथ की सिंध की कढ़ाई सिखाते, सुई वाली, नॉट अड्डा, सुई वाली। किसी दिन तुम दावत देना तो उसकी बातें करेंगे, वो भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है कि पिछले 13 साल से कर रही हूँ। ऑफ कोर्स आई हैव अ जॉब, ये मेरी नौकरी है, मगर मुझे इतना मजा आता है ख्वातीन के साथ बहुत कुछ शेयर करने को मिलता है, उनके उन्हें काउंसिल करने का एक वक्त मिलता है, यू नो, वो कितनी सप्रेस्ड होती हैं, कितनी दुखी होती हैं, उनकी खुशियाँ भी हम करते हैं, किसी की मंगनी होती है, किसी की शादी होती है तो ढोलकियाँ भी हम कर रहे होते हैं। nice, तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम बहुत इंटरेस्टिंग है, बिजी रखा हुआ आपने। बिजी, एब्सोल्युटली बिजी। और तज़ीन से मैं पूछना चाह रही थी कि तज़ीन ने क्या किया इतने दिन, ये जो गायब हुई ये क्यों हुई, कैसे हुई? वहाँ तक हमारी कहानी रुकी थी ब्रेक से पहले कि शादी हुई फिर बेटी तक हल्का हल्का सा काम किया, फिर क्या हुआ, ये क्यों उड़ी थी बात कि मियाँ ने तज़ीन को घर बैठा दिया? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी अफवाह थी। नहीं, लोगों को तो बात करनी होती है ना, तो द मोस्ट इजी थिंग, कभी कोई अगर डिसअपीयर हो जाए तो उसमें सबसे आसानी होती है कि कह दें कि ससुराल या मियाँ ने बंद कर दिया। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हें पता है यार, जब एक बच्चा हो फिर दूसरा बच्चा हो फिर तीसरा बच्चा हो, इट बिकम्स डिफिकल्ट, यू नो। सो आई हैव 3 माशाल्लाह, ऊपर तले हुए थे एक के बाद एक, मनाहिल के बाद, दैट इज व्हाई आई वाज वर्किंग टिल आफ्टर माय डॉटर वाज बोर्न, बिकॉज देयर वाज अ बिग गैप बिटवीन बेटी और बेटे के बीच में, अच्छा खासा गैप था। लेकिन फिर उसके बाद मेरे दोनों बेटे ऊपर नीचे हुए, एंड उसके बीच में कुछ हमारे घर के सिचुएशंस भी ऐसे थे, जाहिर के अब्बा कुछ बीमार हो गए थे और आई वॉज द ओनली बहू, एंड आई वॉज़ वेरी लकी कि अंकल जो थे, जो मेरे सिस्टर थे और मेरी सास, मतलब मेरा उनके ऊपर बड़ा भरोसा था कि मैं अपनी बच्ची को उनके पास छोड़ के और एक्टिंग करने जा रही थी ना, या मैं उस ज़माने में लिख भी रही थी, मैं रेडियो भी कर रही थी। अच्छा। आफ्टर मनाहिल वॉज बॉर्न। ओके। तो मनाहिल का मुझे टेंशन नहीं होती थी, बिकॉज अंकल होते थे घर पे, आंटी होती थी तो छोड़ के चले गए, चले गए, अम्मी के पास तो नहीं छोड़ सकते थे। अम्मी क्या करते थे प्रोफेशनली? जाहिद वॉज इन पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, ही वॉज अ मार्केटिंग एंड सेल्स गाय बेसिकली। तो फिर उसके बाद अंकल की जब तबीयत ख़राब हुई तो फिर ऑब्वियसली मैं उनके पास बच्चा नहीं छोड़ सकती थी, सो देन प्रेसिडेंस यही होता है कि फिर आप अपना बच्चा आप खुद देखेंगे। और फिर उसके बाद नायल रशाद हो गए, देन आई ऑल्सो बिकेम इन्वॉल्व्ड इन टीचिंग, राइट? ओके। तो जब फिर टीचिंग की तरफ मेरा फिर ध्यान हो गया, फिर उसके बाद मैंने खुद पढ़ना था। तो ये टाइम बीच में गुजरा और फिर उसके बाद एक टाइम आया कि एक्टिंग में वापस से एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो कितने अरसे पहले आप वापस आई? डेढ़ साल हो गया तकरीबन। हाँ। अच्छा, जो एक्टिंग में आप वापस आई तब आपके हस्बैंड के इंतकाल के बाद? जी जी। आप वापस आई तो कैसे उनका इंतकाल हुआ? ही वाज सो यंग। बस उसका टाइम था ना, तब तबीयत खराब थी, बीमार थे या कुछ एकदम कुछ हुआ? हाँ, बस उसकी ही वाज फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, उनको कोई उस तरह से मसला नहीं था, बट ये कि बस उनकी टाइम आ गया था, हार्ट अटैक उनको हुआ। एंड पहली दफ़ा अटैक हुआ था? जी, ऑल ऑफ अ सडन हुआ और ऑल ऑफ अ सडन उनका इंतकाल हो गया। तो बस अल्लाह मियाँ का हर एक का एक टाइम मुकर्रर होता है, अल्लाह मियाँ की अमानत है हम जो भी है यहाँ पे। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ निदा कि मैंने जाहिद के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा। जी, हमारी बहुत भरपूर जिंदगी थी, एंड ही वॉज ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड।
सो आई कैन जस्ट से कि मैं तो सबको कहती हूँ, आजकल बच्चे जो है ना ये शादीवादी में इतना बिलीव नहीं कर रहे होते या नहीं करते, तो मैं उनको कहती हूँ नहीं कर लो, जहाँ तुम्हें अपने दिल का साथी मिले फौरन शादी कर लो, ज़्यादा सोचो मत कि सेटल होंगे ये होंगे वो होंगे, आपको ज़िंदगी का पता नहीं होता. And marriage can be a beautiful experience. Haan. So for me, alhamdulillah, it was a great experience. Haan. I married my best friend and we were friends right till the end. मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लोगों के साथ ये हो जाता है. जी. ऐसे तो अल्लाह की अमानत है. जी. और जब कोई कड़ा वक्त आता है तो वो सब्र भी नहीं देता है. जी. मगर उस वक्त से आपने जब आपके बच्चे टीन एज में ग्रोइंग एज में जिस वक्त माँ बाप दोनों की बहुत शदीद ज़रूरत होती है और औरत को भी मर्द की ज़रूरत होती है, वो आपने कैसे दोबारा कोप किया और दोबारा खड़ी हुई? जाहिर है इट वाज नॉट इजी फॉर यू. सो मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही हूँ कि बहुत सारी औरतों को आपसे एक उनका मुराल अप होगा आपसे सुनकर ये वाली बात. सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना वो होती है अल्लाह की हस्ती पे यकीन. ठीक है, उससे ज़्यादा आपको कोई चीज़ हेल्प नहीं कर सकती. तो अगर आप इस चीज़ को, जब भी आप पे कोई कलामिटी आती है, कोई मुश्किल आती ज़िंदगी में, तो अगर आपका तवक्कल हो अल्लाह पर कि ये अल्लाह की तरफ से ही है और अल्लाह ही हमें उससे बाहर निकालेगा, तो वो आपके लिए बहुत सपोर्ट होती है. मेरा स्ट्रेंथ वहीं से आई. बस मैं यही कह सकती हूँ और क्या कहूँगी. उसके बाद सेकंड चीज़ जो होती है वो होती है कि आई थिंक आपने अपना टाइम अपने फैमिली के साथ कैसा गुजारा. तो अब तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो कि मैं छोड़ के चली गई थी या मैंने प्रेफरेंस दी अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों को, अपने घर को फॉर सम टाइम, यू नो. तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वो दी थी, बिकॉज दैट क्वालिटी टाइम आई गॉट. ये तो किसी को नहीं पता होता ना कि हमारी ज़िंदगी कितनी लिखी है. मैं ये कह सकती हूँ कि जो टाइम मैंने अपने बच्चों के साथ और अपने मियाँ के साथ गुजारा उसकी मेरी कोई रिग्रेट्स नहीं है. मैं ये नहीं, कोई कभी मुझे ये फीलिंग नहीं हुई कि हाय मैंने ये नहीं किया. और मैं कितने ये लोग कितने लोग ये बात कह सकते हैं. मैं कह सकती हूँ बहुत बहुत तसल्ली के साथ कह सकती हूँ कि मतलब मुझे कोई उस तरह से कोई रिग्रेट्स नहीं है. सो इट वाज अ ब्यूटीफुल लाइफ. वो भी बहुत फैमिली मैन थे, मतलब घर को ज्यादा टाइम देना. नहीं जी, ऐसी कोई बात क्योंकि होता है ना ये वाली चीज भी तो नहीं. वैसे जाहिद को अपने बच्चों से और अपने घर से बहुत लगाव था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. क्रिकेट उसकी जान थी. हाँ, नौकरी के बाद मैं कहती थी अब मेरी एक सौखन अगर है तो क्रिकेट है. हर वीकेंड वो चला जाता था खेलने के लिए. तो या ही लव्ड क्रिकेट लाइक एनीथिंग और खेलता था अपनी कंपनी के लिए और उसके अलावा भी. बट यस, ही लव्ड हिज चिल्ड्रन एंड ही लव्ड मी एंड ही लव्ड हिज हाउस. सो यस, ही वाज लाइक दैट, ही वाज अ फैमिली मैन. हाँ. सो जब आप दोबारा काम में वापस आई, एक्टिंग में जब 1.5 साल वापस आई, थोड़ा हेल्प मिला बिजी होने से? थोड़ा सा वो कहते हैं ना ये वोंड ऐसा है, ये तो भर नहीं सकता ना आपका. हाँ. जब आपके पेरेंट्स हों या आपका कोई मतलब ऐसा प्यार करने वाला हो. सो मेरे ख्याल में कि हेल्प तो मैंने कहा ना जैसे अल्लाह की तरफ से आ गई थी. एक्टिंग ने मुझे क्या दिया? एक्टिंग में ये हुआ कि आई थिंक बच्चे भी बड़े हो गए थे और थोड़ा सा आप, मैं इतने अरसे से टीचिंग में थी, मैं जॉब कर रही थी, पढ़ा रही थी, तो कभी कभार आपका दिल होता है कि अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करें. Exactly. है ना, एक्सपेरिमेंट जिंदगी में जरूरी होते हैं. अगर आप अपग्रेड करते हैं, अगर आप बोर भी नहीं होते. बिल्कुल हाँ. अगर आपने अपने आप को हैप्पी रखना है, एनर्जेटिक रखना है, पॉजिटिव रखना है जिंदगी में, तो एक्सपेरिमेंट्स आर ऑलवेज गुड. लेट्स डू दैट दैट वी हैवंट डन बिफोर. है ना, वो एक आप एक रूटीन में तो चल ही रहे होते हैं. तो मेरे ख्याल से कि एक्सपेरिमेंट्स औरतों के लिए, आदमियों के लिए, हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है. सो दिस वॉज एन एक्सपेरिमेंट फॉर मी. मुझे याद है जब मुझे महरीन ने ऑफर किया कि महरीन जब्बार मैंने फर्स्ट प्ले उसके साथ किया ना वापसी पे, जब मैं वापस टेलीविजन में आई हूँ, तो उसने मुझे कहा कि तज़ीन तुम करोगी? मैंने कहा हाँ चलो ट्राई कर लेते हैं. और फिर उसके बाद मुझसे सेट पे भी लोगों ने पूछा कि अब करोगी? तो मैंने कहा कि मैं करके देखूंगी. अब तो फिल्म भी कर रही है. मैं करके देखूंगी कि कैसा लगता है, यू नो, हाउ डू आई फील अबाउट, कैसा लग रहा है. इट वॉज ग्रेट. मुझे इतना मज़ा आया टेलीविज़न पे वापस आके. और मुझे लगा कि एक जैसे मेरी फैमिली टेलीविज़न की फैमिली भी थी. मेरे शोबिज़ के फ्रेंड्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव बीन सो वेलकमिंग एंड आई हैव रीकनेक्टेड विद सो मेनी ऑफ देम, इंक्लूडिंग योर हस्बैंड, इंक्लूडिंग यू नाउ, यस, एंड लॉट्स मोर. माशाल्लाह माशाल्लाह, आई हैव बीन ब्लेस्ड. सो दूसरी चीज़ जो होती है ना अल्लाह की हस्ती के बाद और आपकी मेमोरीज के बाद, दैट इज़ योर सपोर्ट सिस्टम. सपोर्ट सिस्टम में आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, ये बहुत जरूरी है. जरूर. आपके अब्बू के साथ आपका कैसा रिलेशन था? बचपने से बताओ ना. अब्बा हमारे थे आर्टिस्ट आदमी. तो
और वो खुले दिमाग के इंसान, ऑब्वियसली आर्टिस्ट सारे खुले दिमाग के ही होते हैं शायद, है ना. सो उन्होंने हम पे कभी कोई रोक टोक नहीं की. अच्छा. एंड लाइक मैंने कहा कि अम्मा से डर हम डरते थे, अब्बा से नहीं डरते थे. हाँ. अब्बा ने हमें कभी डांटा नहीं. चोटें हमारी अब्बा ने पट्टियाँ खोली, पट्टियाँ लगाईं, दवाइयाँ जब हमें नहीं खानी होती थी तो अब्बू प्यार से खिलाते थे, अम्मी तो थप्पड़ लगा देती थप्पड़ लगा दिया करती थी, खा लो. हाँ. अब्बा की तरफ से होता था, नहीं बेटा आहिस्ता आहिस्ता खिलाएंगे पिलाएंगे. तो बहुत प्यार अब्बा की तरफ से हमें, डांट डपट भी अब्बा की तरफ से होती थी लेकिन वो एक दूसरी नौयत की डांट डपट होती थी. तो आई थिंक विद माई फादर आई ग्रू एज अ गर्ल एंड एज अ वुमन. हमारे घर में कभी तफरीक नहीं हुई लड़के लड़की के बीच में, ठीक है ना. वी वर ऑल इक्वल. एंड मेरे अब्बा ने हमेशा औरतों को बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट किया. तो आई थिंक वो चीज़ हम में भी आई कि हम भी इमैन्सिपेटेड और कॉन्फिडेंट वुमेन, मेरी बहन और मैं दोनों, हम लोग बड़े. और इसी तरह मेरे भाई भी, लड़कियों को कॉन्फिडेंस जो है ना उनके बाप की वजह से बिल्कुल हमेशा absolutely, जब absolutely, है ना कि उनका उनकी परवरिश जैसी है वो, अगर कॉन्फिडेंट है तो उसके पीछे उनका बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है. अम्माओं का भी होता है. हाँ. ऐसी बात नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों का हाथ होता है. बिल्कुल दोनों की ही उतनी ज़रूरत होती है मगर वालिद साहब तो जाके रोटी कमा रहे होते हैं तो ज़्यादातर वक्त तो माँ का गुजरता है. हाँ. तरबियत माँ करती है. हाँ. और बिल्कुल सही है कि बाप का होना ही बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है. Exactly. और इससे तो कोई दो राय है. हाँ. तो आपके बच्चे अपने फादर से मिलते हैं? जी जी एब्सोल्युटली. हाँ. बहुत उनकी क्लोज रिलेशनशिप है. मैंने इनफैक्ट उनको हमेशा इनकरेज किया. और एक गली के फासले से वो रहते हैं. अच्छा. तो रहे बच्चे रहे आपके पास? जी मेरे पास रहे. उनसे फिर मिलना जुलना लाइक सैटरडे संडे हॉलीडेज वीकेंड्स वैसे भी मतलब बस हम आज बाबा हमें पिक कर लेंगे स्कूल से. तो मतलब ये इट वाज अ वेरी वेरी इजी रिलेशनशिप. और ये रखना बहुत जरूरी होता है बिकॉज देखिए आप उल्टे हो जाएं आप सीधे हो जाएं बच्चों की माँ भी वही रहेगी और बाप भी वही रहेगा. अल्लाह ताला भी इसको नहीं चेंज कर सकते. बिल्कुल ठीक है ना. तो ये मैं बिल्कुल इस बात मैं अपनी स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि देखो कभी भी चाहे तुम दोनों के दरमियान कुछ भी हो कभी भी बुराई ना करना अपने शौहर की. बच्चे जो है ना वो बेटर हो जाते हैं अपनी जिंदगी. अगर आपने अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ को आगे और उसको आगे रिलेशनशिप्स में हेल्दी रिलेशनशिप्स में एग्जैक्टली और उसको तो आपको इतना इजी करना है इतना यू नो उसको मोहब्बत तमीज लिहाज रिस्पेक्ट आपको बतानी है चाहे कुछ भी ऐसा हुआ हो कि आप गुस्से. और मेरे माँ बाप ने ये मुझे सिखाया था. हाँ. कि बेटा एक बात याद रखना ये कभी ना करना चाहे तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा. हाँ. तो अल्लाह के शुक्र से कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे मुंह से कुछ निकला हो और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने कोई ऐसी बात की हो. इनफैक्ट बहुत ही रिस्पेक्ट की रिलेशनशिप रही है सिविल रिलेशनशिप हमारे दरमियान आज तक भी है. बच्चों के हवाले से हमें कभी बात करनी पड़ती है मिलना पड़ता है तो वो कोई ऐसी बात नहीं ये जरूरी है. हाँ, आपके जो अब हस्बैंड है वो क्या करते हैं वो उनका प्रोफेशन क्या है? अकाउंट. अच्छा. हाँ जी. और उनसे कितना अर्सा हो गया मिले हुए आपको? मेरे वालदैन ने मेरा निकाह किया 12 साल पहले. अब 13 अच्छा, साल होने वाले. अच्छा. सो आई वाज सिंगल फॉर अ व्हाइल. ओके. सो आप खौफ डर दोबारा से रीस्टार्ट करना जिंदगी को औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है. मर्द बहुत आराम से कर लेते हैं. वो कहते हैं ना कि बीवी की कोई भी ऐसी अलहदगी है वो कोनी की चोट की तरह होती है बार लगती बार है एकदम बार अंधी हो जाती है वो चोट बार बार लगती भी है. So, आदमियों के लिए तो ऐसा है लेकिन औरत के लिए थोड़ा टफ डिसीजन होता है. बिल्कुल. एंड स्पेशली इफ यू हैव चिल्ड्रन. मगर मैरिज वाज नॉट ऑन द कार्ड्स एट ऑल इवन दिस टाइम. इट बिल्कुल मेरे जहन में नहीं था. हाँ. और मेरी जिंदगी माशाल्लाह से बहुत ही सहल और बहुत अच्छी टफ भी थी
मगर बहुत अच्छी इसलिए गुजरी कि मेरे माँ बाप का साया मेरे सर पे रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ सलामत है, अल्लाह पाक उनको रखे सेहत से। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया मगर दे वाला एक रॉक फॉर मी। मैं अपनी ज़िंदगी को जो मैं जिस कह रही हूँ जिस उस कश्ती में सवार ही उनकी वजह से हो सकी कि उन्होंने इतना हर चीज़ में आसानी मेरे लिए बच्चों नहीं ढूंढे थे उन्होंने बिल्कुल नहीं ढूंढे थे। बस हमारे मियाँ साहब ने मुझे कहीं मेरी एक दोस्त है हु वाज अ कॉमन फ्रेंड ओके और शायद वो मेरी दोस्त अभी देख भी रही हो तो वो हम रोमांस नो रोमांस ब्रिज बनता है ना कोई ब्रिज बनता है बीच नहीं तो वो ये हुआ वो उसका भी कोई वो नहीं था हुआ ये कि उस बेचारी ने बहुत ज़्यादा सेहत की तरफ से मुश्किलात काटी थी और मैंने उसको वादा किया था मौसीकी की बहुत शौकीन अच्छा तो मैंने उसको वादा किया था देखो अब तुम हिम्मत से चलो हाँ। तुम ठीक हो जाओगी ना तो आई विल कम एंड सिंग इन योर होम। नाइस। इट्स जस्ट अ ड्राइंग रूम अफेयर और मैं गा रही थी एंड यू वर सिंगिंग आई वाज सिंगिंग माय पेरेंट्स वर देयर हर फैमिली वर पेरेंट्स हर मदर एंड सिस्टर सारे बच्चे उसके भी वहाँ थे और देयर इज समबडी वाज सिटिंग राइट अक्रॉस एंड ई करके लुकिंग एट मी। अच्छा मैं नहीं जानती थी कौन है जाहिर है उसके एक दो दोस्त भी थे हाँ। हो गया कोई अच्छा फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वाली चीज तो मैंने ब्रेक के बाद सुननी है तो मुझे मजा आ रहा है और इस मजे को मैं ऐसे ही नहीं जाने सकती। एक छोटे से वक्फे के बाद शान सहूर में हमारी प्यारी सी अफशा अहमद और तज़ीन हुसैन की खूबसूरत जिंदगी की कहानियाँ आपके सामने। इतने दिनों बाद मिलेंगी तो ऐसा तो होगा ही, सब कुछ पूछूंगी। शान सहूर वेलकम वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और बहुत खूबसूरत यादें यहाँ। आप भी बिल्कुल फ्लैशबैक में चले गए होंगे जब हम आपसे बात करें। ब्रेक पे जाने से पहले हम सुन रहे थे कि जब ये गा रही थी तो कोई उनको बहुत प्यार से देख रहा था और जब वो देख रहे थे प्यार से उसके बाद क्या हुआ वो मैंने ब्रेक के बाद के लिए सस्पेंस रखा। मैंने ये नहीं कहा कि प्यार से देख रहे थे, एक साहब थे जो उनके गेस्ट थे जिन हाँ। जो यहाँ से यहाँ तक स्माइल कर रहे थे हाँ। बहुत मतलब ऐसे तो कोई भी नहीं होता जो इतना स्माइल करे। भैया आप स्माइल करते हैं हाँ। आप जरा यूं भी हो मतलब बत्तीसी खुली हुई थी ना तो मैं तो बहुत ही अच्छा फिर आई सेड मे बी यू नो अ लिटिल बट भाई आप क्या कर सकते हैं आप क्या सोचेंगे बताए ना एक शख्स आपको भाई मैं तो सोचूंगी वाह अच्छा फिर आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगे। फिर उन्होंने देखा कि भाई ये तो मुझे नहीं कुछ भी डाल रही तो वो फिर मेरी अम्मी ऐसे बैठी थी तो वहाँ सामने आके बैठ बड़ी निजी सी महफिल थी जस्ट अबाउट 20 maybe 20-25 of us तो अब जब वो यहाँ बैठ गए मेरी वालदा यहाँ तो फिर मैं बार बार मेरी नज़र पड़ रही थी बस वहाँ पे फिर वो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उन्होंने बहुत तारीफ की कि आपने बहुत अच्छा गाया एंड समबडी हु लव्स म्यूजिक दैट्स अमेजिंग। तो बस वहाँ से ये बात शुरू हुई फिर मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि भाई somebody has fallen in love with you oh my god this is so मैंने कहा क्या स्वीट मैंने कहा मस्ट बी यू नॉट मी कि नो बस फिर The rest is history. Lovely. It's too personal, so I can't tell you more. अच्छा मुझे तो नींद नहीं आएगी आज है नहीं मगर दिल तो खुश हो गया ना हाँ दिल खुश हो गया अच्छी रोमांटिक कहानी सुन के दिल खुश हो जाता है बहुत अच्छा लगता है किसी के प्यार की कहानी सुनना ये पता है सबको अच्छा लगता है ये कंटेजियस होता है कितना अच्छा लगता है बिल्कुल अपने मियाँ अच्छे लगने लगते हैं किसी और की प्यार की कहानी सही बात है बेसिकली आपको इवन व्हेन आई वाज सिंगल यकीन करना मैं किसी को भी खुश देखती थी ना मुझे बहुत अच्छा लगता था मैं कभी बैठ के ये नहीं सोचा हाय ऐसा मेरे साथ होना चाहिए था या यूँ मुझे बहुत खुशी होती थी किसी भी दो लोग चाहे वो अल्लाह इम्तिहान लेता है पता है अफशा जी चाहे वो दो लड़कियां ही होती आपस में खुश हैं या हस्बैंड एंड वाइफ है या दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या मंगनी हुई हुई है मुझे बहुत अच्छा लगता था मगर कभी ये मैंने
उस तरफ ध्यान नहीं गया था। वो 12 साल तक वो ही 32 ही मेंटेन है, मेंटेन है, सस्टेन है। माय हस्बैंड हैज अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। ओह नाउ शी सेज दैट, नाउ शी एक्नॉलेजेस। और नॉट जस्ट हिम, माशाल्लाह से इन सब बहन भाइयों की, वेल ही इज द ओनली ब्रदर, इन सब की इतनी खूबसूरत कोई मुस्कुराहट है, एंड दे हैव सच ब्यूटीफुल टीथ that I can't tell you, they are beautiful smiles. Kabhi mauka hoga to I will share pictures with you, to tumhe pata chalega. Please, please, zabardast, zabardast. Chai to pilaye hamare mehmano ko, hamari jo chef Noreen Ansari hai, aap dekh chuke honge kitni khoobsurat hai. Sirf wo khoobsurat hi nahi, hamare kitchen mein jo khana aur peena hai wo bhi bada khoobsurat ban raha hota hai. Khushbuyein jo aa rahi hain hame thodi, to khana to ban hi raha hai aap logo ke liye, lekin Lipton ki chai ye lekar aa rahi hai taaki zara aap log mehsoos ho, aur chai peene wale log hain aap. Agar main aap se ye kahun ki maine zindagi mein chai nahi chakhi to aap kya samjhengi? Main bhi aapki behan hu, kyunki main bilkul main bhi chai person nahi hu. Nahi mat person, main bhi nahi peeti. कभी नहीं चखी? मैंने चखी तो मैंने, वो पापड़ डबो के काए जब मैं मारूं, मैंने चखी भी नहीं है. तो आई एम द फर्स्ट. ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया यार, चखी भी नहीं? हां ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? बस ये है. अच्छा ओहो, आपने, आप तो चाय पर्सन है. नहीं ब्लैक टी सही है बस. हां चलिए भाई, फिर दूध ना डालिएगा आप, लिप्टन की चाय में काली चाय भी पी सकते हो. ले आए भाई, ले आए, लाए मैं आपसे ले लूं. इतनी हसीन खूबसूरत चाय बनाने वाली है, इनको कैसे मना किया जा सकता है? यहाँ थैंक यू सो मच, यू मोस्ट वेलकम. यहाँ रख देती हूँ आपके पास. सही है, सही है. हाँ जी, सो आगे नहीं बताना, दांतों के बाद नहीं बताना वो और ब्लश कर रहा है कोई? अब ये मसला कि जी हर वक्त ही गाना सुनाओ. घर के काम है, ये करना है, तो वो आप कपड़े धोते हुए गाना सुनाती रहे, छोड़े घर के काम और सारे बस. अच्छा ऐसा? फिर जब घर भर के काम खत्म हो, 12:30 एक डेढ़ बजे जब मैं फारिग हूँ, अच्छा एक अच्छा सा गाना तो टायर्ड. तो अब फिर उनका ये शे मशगला हो गया कि हर एक को कहते हैं शी डजंट सिंग फॉर मी एट ऑल, ये बस मेरे लिए गाना नहीं गाती, बाकी अगर कोई कहे ये सुना देती है. मगर उनकी फरमाइश पे मैंने बहुत से गाने सीखे. अभी उनके लिए ही कुछ गुनगुना दे, वो खुश हो जाएंगे. फिर वो कहेंगे टीवी वालों के लिए. I don't think I should. मैंने तो यही कहा. You should. मैंने तो यही कहा कि चले उनके लिए गा दे. मैं ये तो नहीं कह सकती मेरे बचपन के दिन गा दे. हमारे लिए गा. अच्छा हमारे लिए. उनके लिए ना, हमारे लिए. हाँ माइक माइक देना जरा, दूसरा वाला ना जरा. आपको दूसरा वाला माइक देती हूँ. जब अफशा अहमद आई है तो फिर ऐसे दो दो मुझे दो. खुल गया? हाँ मैं तो एक्साइटेड हो गई. हाँ सही बात है. कुछ एक्साइटमेंट नेक्स्ट टाइम के लिए ना छोड़े. नहीं ना, जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं मैं यहाँ कब तक हूँ. थोड़ा सा इको कम कर दें प्लीज, थोड़ा सा, थोड़ा सा. ये मैं आपको सुनाती हूँ. दैट्स टू मच, प्लीज कम करें. थैंक यू. जरा सा डालें मगर ज्यादा नहीं. ये आपको मैं सुना देती हूँ और फिर इस गीत के पीछे कहानी छोटी सी तो वो भी आपको सुना दूंगी. बाबुला वेली जाए ना लोग मुझको, मेरी जान को लगाए कैसा रोग. बाबुला वे ले जाए ना लोग मुझको, मैंने बाबुल क्या सोचा था, मेरा जीवन तो रांझा था, क्यों गैरों से बांधा संजोग. बाबुला वे ले जाए ना लोग मुझको, मेरी जान को लगाए कैसा रोग. बाबुला वे ले जाए ना लोग मुझको.
मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि तो मैं जैसे कह रही थी कि काम मैंने बहुत कम कम किया. तुम्हें याद होगा कि ज़हीर खान साहब, साहिरा काज़मी ने एक प्रोग्राम शुरू किया था रंग तरंग के नाम से. जी ठीक है जी. और PTV इज़ द पायनियर टू हैव अ म्यूज़िक प्रोग्राम विद वीडियोस. PTV ने ये शुरू किया था, जिसकी एक आदि आपने झलक भी इसमें दिखाई. रंग तरंग, रंग तरंग. मेरा, मैंने पहली दफ़ा मॉडलिंग की थी कभी जिंदगी में. That was the really one. Yes, उस किसी गाने पे. Nice. और उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स ने काम किया. रिफत हुमायूं थी, ज़हीर खान साहब थे, साहिरा काज़मी मामा ने भी किया था. I'm sure. तो एक दिन ज़हीर खान साहब का मुझे फ़ोन आया कहने, अच्छा मैं बचपन के दिन कर चुकी थी वो वाला जो था साहिरा काज़मी ने वो प्रोग्राम किया था, वो यादें करके एक प्रोग्राम था जिसमें आपकी सारी यादें और उस स्टोरी लाइन वो थी. एग्जैक्टली. तो हर आर्टिस्ट तकरीबन एक एक ही कर रहा था, एक सहमाई थी. तो एक दिन ज़हीर साहब का फ़ोन आया मुझे कहने के, कैसी हो बेटा. मैं तो कहने के, ऐसे ऐसे मुझे एक ही रांझा करके प्रोग्राम करना है. तो तुम कर लोगी. मैं अच्छा क्या है, परफॉर्म भी किया था ना उसने. हाँ, वो यही तो था. हाँ, मुझे रंग तरंग वॉज द फर्स्ट प्रोग्राम बाय PTV जिसमें आप गा भी रहे थे और उसमें मॉडल भी कर, थोड़ा सा वीडियोस भी थे, एक्ट भी कर रहे थे. हाँ, मतलब आई रिमेम्बर दिस सॉन्ग. हाँ, यस, सेम ईयर. तो कहने लगे कि बस उसमें मगर ये है. मैंने कहा मैं अम्मी बस पूछती हूँ, आपको बताऊँगी. तो मैंने कहा थोड़ी सी डिटेल्स बताएं. हाँ. तो कहने के बस उसमें ये कि तुम्हें दुल्हन बनना होगा. हाँ. ओ, मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा मैं अम्मी अब्बा से पूछ के बताऊँ. हाँ. अच्छा ठीक है. तो फिर मैंने अम्मी को अब्बा को पूछा. तो माई फादर वॉज अ वेरी लिबरल मैन कि ना बेटा कर लो, क्या है उसमें क्या है. आई वॉज अनमैरिड, आई वॉज जस्ट इन कॉलेज देन. तो अम्मी ने भी कहा बेटा कोई हर्ज नहीं है. ये एपिसोड मेरे लिए नहीं था, ये किसी और आर्टिस्ट के लिए था. उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि मैं दुल्हन नहीं बनूंगी. अच्छा. शी वॉज मच सीनियर टू मी इन एज, आई वॉन्ट टेक द नेम. मगर उन्होंने, आई नो यू नो, ओके. तो उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं, जस्ट एज यू नो रिस्पेक्ट आई वुड नो. तो उन्होंने मना कर दिया. अच्छा, मैंने गा लिया. तो मैंने, आप यकीन करें कि उस एक गाने ने मेरी शोहरत को यहाँ से वहाँ पहुँचा. ये कभी का वक्त होता है, पता है, ये खुदा की तरफ. बिल्कुल, बिल्कुल. और आज भी जब मेरे बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए, जो मुझे कहता आपने वो जो गाया था, मैंने अपनी बेटियों के हर रुखसती में वो लगवाया, हर रुखसती पे लगाया. हम गाते थे ढोल बजा के, हर शादी के रुखसती में यही गाना. आपने यूं किया तो हमें आज तक या थोड़ा सा सुना दे, मतलब चाहे वो कहीं भी मिली हुई हो, थोड़ा सा सुना दे. तो बस वो अल्लाह ताला की कोई वो होती है. आपका टर्निंग पॉइंट एक्चुअली वो था जो पॉपुलैरिटी का एक, you know, शनिदा, मैं बताऊं कि मुझे पॉपुलैरिटी जो है ना, but video, yes, एक तो कभी भी सर नहीं चढ़ी इसलिए कि वालदैन ने चढ़ने नहीं दिया. मगर जब मैं छोटी सी भी थी, हम लोग चल के स्कूल जाते थे, तो मुझे याद है एक कांस्टेबल होते थे जो हमें रोड क्रॉस कराते थे. तो वो मेरे गाल ज़रूर खींचा करते थे. बड़ी बड़ी उनकी मूछें थी, अल्लाह पाक अगर हों तो अच्छी तरह हों वो. और मैं इतनी नाराज़ होती थी अम्मा मेरे ज़ोर से, कि अम्मा भी हमारे साथ वॉक कर रही होती कि नहीं नहीं बेटा ये प्यार है, ये आपको प्यार करते हैं. इट्स टू स्मॉल. माँ मुझे तो चोट लगती है, मामा मुझे चोट लगती है. नहीं बेटे, ये आपको प्यार करते हैं, आपको देखते. तो इसी तरह से मुझे अम्मी अब्बा बताते गए कि बेटा आपको नहीं पता आप कितनी खुशकिस्मत हैं. बच्चों को क्या ये बातें समझ में आती हैं, यू नो, उन्हें तो ये कि चोट लग रही है. तो पॉपुलैरिटी कितनी थी, ये थी कि जी स्कूल में आई यूज़ टू फेस टफ टाइम. एक दो टीचर्स थी जो कहती थी हाँ भाई इनसे तो गाना ही सुन लो सिर्फ, सीरियस पढ़ाई नहीं आती. माय गॉड, ये यू नो थिंग्स लाइक वो. फिर ज़रा सा ये होता है ना कि क्यों, बिकॉज हर संडे आई यूज़ टू बी ऑन स्क्रीन. मंडे वाज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, और उस वक्त एक चैनल, सड़कें खाली. तो यू आर समबडी, यू नो, इवन इफ यू आर अ चाइल्ड यू आर समबडी. यस, कि मेरे बच्चे तो नहीं जा रहे तो ये क्यों है, यू नो थिंग्स लाइक दैट. अच्छा, और अम्मी का शुक्रिया कि एलोक्यूशन हो रहा है तो उसमें मैं फर्स्ट प्राइज ले रही हूँ, नाथ कॉम्पिटिशन हो रहा है
उसमें मैं फर्स्ट प्राइज मतलब वो पैरेलल चलती रही हर चीज हर हां एब्सोल्युटली हाँ। अच्छा पता है क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप सेलिब्रिटी थी लेकिन आप सेलिब्रिटी के बच्चे थे हाँ। और वही वाली वो जमाना वो था सड़कें खाली वाला बिल्कुल और आपके अब्बू का एक नाम ऑफ कोर्स आप लोग उसको कैसे लेते थे ना मतलब हमारे अब्बा तो खाली डायरेक्टर थे कैमरे के पीछे थे हम शो मारते थे हम तो काजम पेशे के बेटे हैं बच्चे आप कैसे लेते थे आपके अब्बा तो स्क्रीन पर आते थे हम लोग आई थिंक शायद अब्बा ने इतना हम लोगों को यार वही बात है ना अब तो सोशल मीडिया वगैरह है हाँ। तो सबको सबका पता होता पता है उस जमाने में किसी को क्या पता होता था कि किसका अब्बा कौन है या नहीं, कौन तो पेरेंट टीचर मीटिंग में अब्बू आते नहीं थे कभी? अब्बा नहीं आते थे ना अम्मा आया करती थी भी उन्हीं से पढ़ते थे अब्बा नहीं आते थे अब्बा क्लास वैल्यूज वगैरह को पता नहीं थे कि तलत हुसैन की बेटी है बट वी डिडंट रियली फेस कभी कोई इस तरह का इशू हमें नहीं हुआ इनफैक्ट हाँ एडवांटेज था वो ये होता था कि पूछ लिया जाता था कि भाई एक्टिंग हो रही है तो तज़ीन ने करनी है या नहीं करनी लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई फेवरेटिज्म होता था हाँ हम लोग के स्कूल के अंदर वही होता था कि ऑडिशंस होते थे जो अच्छा कर रहा है वो उसको मिल जाया करता था रोल बट यस मुझे ये होता था कि मैं पार्टिसिपेट जरूर करूँ आई लव बीइंग ऑन स्टेज ऑलवेज यानी शौक था 100% फुल टाइम बहन को भी था मुझे भी नहीं था तो शायद मेरे भाई को नहीं था वो स्पोर्ट्स में ज्यादा होता था बट रोहना और मैं हम दोनों हर नाथ कंपटीशन में एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में डिबेट हर चीज के अंदर इंग्लिश की थी उर्दू की थी तो वो पता था कि भाई ये हमें करना है अच्छा इसी तरह स्पोर्ट्स में भी हर चीज इनफैक्ट आई विल टेल यू सॉरी तुम्हारी बात कटी कि मेरे जो भाई हैं जो मुझसे बड़े हैं कहते हैं यार तुम इतनी एक्टिंग क्यों करती हो एक्टिंग क्यों करती हो मैंने कहा अर्शी मैं तो गाती हूँ मैं थोड़ी एक्टिंग कहने हाँ कोई तुमको अभी यहाँ देख ले उसके बाद जब तुम कैमरों पे आ जाओ तुम्हारा सारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाता अच्छा आई टेल यू आई डोंट रियलाइज इट अगर वो कहता है मैं बता रहा हूँ तुम्हें तो मैं नहीं रियलाइज़ करती आई सपोज मैं उस चीज़ में बड़ी हुई हूँ फेसिंग अ कैमरा और फेसिंग पीपल इज नो नॉट अ प्रॉब्लम नॉट लाइक सेकंड स्किन मगर मुझे बहुत बड़े क्राउड्स नहीं पसंद है मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं होती कि हज़ारों लोग हैं और उसमें नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल देयर बट कैमरा हो या कोई स्टेज हो जहाँ पे आपको करना है वो ठीक है मगर वो तो कहता है कि तुम्हारी जब तस्वीर भी लेनी होती है और अगर तुमने गुस्से से कुछ कह रही हो जैसी फिर तुम कहती हो एक मिनट एंड देन यू टीज़ेस मी सो मच बैंड भाई का वेल तो तुम भी सीख लो हाँ ये तो फिर शोबिज से आ जाता है ना अच्छा पता है इस शाने सवूर में मैं बहुत कोशिश करी होती हूँ खासतौर पर मेरी जो सीनियर एक्टर्स है जैसे तलत साहब को बहुत कोशिश की अप्रोच करने की लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं है तो उनके बारे में कुछ बताएं कैसे हैं वो बहुत लोग देख रहे होते हैं और बहुत प्यार करने वाले लोग होते हैं किसी की भी दुआ लग सकती है नहीं नहीं बिल्कुल अब्बा का ये है कि ऑब्वियसली तुम्हें पता है अब उनकी एज हो गई है तो जो उम्र के साथ हमारी कुछ बीमारियां होती हैं उसी तरह अब्बा की भी है उनको डिमेंशिया है अच्छा डिमेंशिया में आपकी मेमोरी ख़त्म होना शुरू हो जाती है तो वैसे अभी पहचानते हैं आपको हाँ। अभी उतना नहीं है उनका स्टेज पहचानते हैं बट कुछ दिन उनके स्लोअर होते हैं जिस दिन उनको लोगों को रिकॉल करने में थोड़ा मुश्किल होती है और कुछ दिन वो पहचान लेते हैं बाकी ये है कि थोड़ा सा कुछ दिन होते हैं जब वो इतना मेंटल स्टिम्युलेशन नहीं पसंद करते तो बट वैसे अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं फिरते हैं अल्लाह का शुक्र अपनी ड्राइव पे जाना है खाना पीना है अल्लाह का बहुत करम है पिछले दिनों उनकी तबीयत गड़बड़ बिगड़ी थी बिल्कुल उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से उनको हमें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा था तो उस वक्त उनके मद्दाहों की और फैंस की दुआओं ने ख्याल में मिरेकल किया एंड माशाल्लाह वो वापस घर आए चलते हाँ। अपने पैरों पे चल के हॉस्पिटल से हाँ। घर वापस आए तो माशाल्लाह ही इज़ वैसे ओके बट ये कि उनकी मेमोरी में अब थोड़ा मसला है वो मतलब लाइक उनके पास जो ये टैलेंट था एक्टिंग का उनको ये विरसे में कहाँ से मिला अपने फादर से या मदर से ये हाँ, तो देखो निदा ये भी एक बड़ी कुछ रिसेंटली मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला हाँ, हमें पता नहीं इतना था क्योंकि अब्बू कभी इतनी ज़्यादा बात करते नहीं थे शायद उनका बिजी शेड्यूल होता था यू नो यू बीन कभी कभार ऐसा होता है कि वो
खास तौर पे वालिद बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों को कि अच्छा जी सो रहे होते हैं आप लोग सो रहे होते थे वो आ रहे हैं का ये होता है ना टाइमिंग और इस तरह की चीजों का तो शायद उस वजह से हमारी कभी इतनी ज्यादा बातचीत नहीं हुई. अब्बा की जो अम्मा थी खैर वो तो हमें पता था दादी हमारी रेडियो पाकिस्तान की बहुत बड़ा नाम शाइस्ता बेगम नाम था उनका पाकिस्तान की फर्स्ट अनाउंसमेंट रेडियो पाकिस्तान की जब पाकिस्तान बना है तो फर्स्ट अनाउंसमेंट ये रेडियो पाकिस्तान है मेरी दादी के आवाज में. इंटरेस्टिंग. जी जी यस शी वाज द फर्स्ट पर्सन उनको अगर आप विकिपीडिया गूगल गूगल करें तो आ जाएगा. यस सो शी वाज द फर्स्ट पर्सन जिनकी आवाज रेडियो पाकिस्तान ने और पूरे पाकिस्तान ने सुनी. अच्छा उनके भी जो अब्बा थे वो ही वाज इनटू म्यूजिक बेसिकली. ओके सो ही वुड प्ले द सितार. Wow. And he was मतलब आपके दादा मेरे दादा नहीं इनके मेरी अब्बू के मेरी नाना दादी के मेरी दादी के अब्बा यानी कि इनके अब्बू के तलत साहब के नाना नाना जी जी yeah. तो वो भी सितार बजाते थे एंड इन फैक्ट ही वाज एन उस्ताद और एक हवेली है अभी भी इंडिया में जो उनके उनके नाम पे है. ओके तो अब्बा गए हैं अब्बा ने विजिट किया मुझे याद है जब हम छोटे थे तो अब्बा ने हमें बताया था कि मैं इंडिया गया था और मुझे तब समझ नहीं आती थी कि अब्बू क्यों गए थे यू नो उन्होंने कहा मैं फलानी जगह गया था मैं उस दरबार पे गया ये क्या वो क्या अब समझ में आती कि वो क्यों गए थे. रिसेंटली हम रिकनेक्ट हुए अपने कुछ कजन से बिकॉज अब्बू की तो मेमोरी गड़बड़ हो चुकी है तो उन कजन ने हमें बताया कि एक्चुअली दिस इज द हिस्ट्री देन वी एक्चुअली लुक्ड हिम अप. We sat with our albums, हमने albums खोले हमने वो पुरानी तस्वीरें देखी तो अब्बा का एक पूरी history है art और क्योंकि उन्होंने बहुत interviews भी नहीं दिए नहीं वो अपनी acting में ही इतने busy रहे. अब्बा ने अपनी ना television life और अपनी private life को थोड़ा बिल्कुल अलग रखा हुआ था है ना वो मैं भी ऐसी रख रही हूँ ना थोड़ी हम भी रखने देंगे ज़्यादा dignified उनकी delivery pleasure to oh my god यू नो मेरे वालदैन बताते हुए जब रेडियो से भी करते थे तो बस वो सारा तासुर हर चीज़ का सुनने में अंतर रेडियो के ट्रेंड लोग पे टेलीविजन देखिए एक ज़माने में तो एक्टिंग स्कूल्स ही नहीं होते थे अब नापा वगैरह है तो इन लोगों की एक्टिंग जो है वो पीटीवी की एकेडमी में दिखाई जाती थी और जो बहुत सारे एक्टर्स हैं जब उनका इंटरव्यू मैं लेती हूँ तो मुझे उनसे पता चलता है हमने उनको देख के एक्टिंग सीखी. लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग ट्रेनिंग ली. हाँ अब्बा ने जब ही डिसाइडेड टू गो इनटू एक्टिंग तो वो फिर यूके गए थे. अच्छा यूके जाके उन्होंने प्रॉपरली एक्टिंग पढ़ी. आई थिंक ही वाज अमंग्स मे बी द फर्स्ट नॉट द फर्स्ट लेकिन उस जमाने में बहुत कम लोग थे जिन्होंने फॉर्मली एक्टिंग की ट्रेनिंग ली. तो अबू उनमें से एक जरूर थे. और मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ. सो मेरी अम्मी भी रेडियो में थी. अच्छा तो वहाँ पर रोमांस वहाँ मिले उनका तो रोमांस वहीं का है. ठीक है और मेरी अम्मी गाती भी बहुत अच्छा थी. ओए ओए तो जो मैं गाती हूँ शायद गाती थी वो अम्मी से था और एक्टिंग अबू से थी. तो गाती थी क्या मतलब अम्मी गाती भाई इनसे भी सुने कुछ ना ये तो कोई बात नहीं ब्रेक के बाद फंस गई हमारे हाथों में मुर्गा फंसा है जरा ब्रेक के बाद. वेलकम वेलकम बैक आप देख रहे हैं शाने सहूर अफशा अहमद और तजीन हुसैन हमारे साथ मौजूद है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने उस वक्त में चली गई हूँ. आप लोग भी ऐसा ही फील कर रहे होंगे मेरी तरह और इसीलिए मैंने इनको ब्रेक पे हम दोनों ने मिलकर इनको तैयार किया है. एक दूसरा प्लीज तैयार जो हम की सोच रहे हैं ना इट्स अ प्लेजर इसलिए कि मेरी पहचान ये है और जो आवाम हैं आप लोग हैं इतनी मोहब्बत देते हैं तो हमें तो बिल्कुल कोई सोचने की भी जरूरत नहीं नखरे की भी जरूरत इस फीलिंग में है मेरे बचपन के दिन मेरे वो पाले पुराने दिन. सो यही फीलिंग जो है आप गा दें. ये भी एक ऐसा गीत है जो हर इंसान इससे रिलेट कर सकता है. वाकिफ है हर कोई हर इंसान हर एक का एक बचपन हर एक का वो गुड़ियों का दौर तो फिर घर बनाने का दौर मिट्टी से मिट्टी के घरौंदों का दौर हर एक ने किया अपने अपने जमाने में. बिल्कुल चलिए थोड़ा सा सुना देती हूँ. मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन मेरे बचपन के दिन
कितने अच्छे थे दिन आज बैठे बिठाई क्यों याद आ गई, आज बैठे बिठाई क्यों याद आ गई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन कैसे मोड़ ला दे कोई, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, कितनी बेलौस थी अपनी वो दोस्ती, कितनी मासूम थी वो हंसी वो खुशी, झूमते गाते हंसते हंसाते एक दूजे पे जान लुटाते, सब के सब वो जमाने, सब के सब सब वो जमाने, दिखाते कोई मेरा बचपन कैसे मोल ला दे कोई, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। ओ इसी बात पर आपको अच्छा सा खाना हम खिलाते हैं, आ जाए किचन में चलते हैं, आ जाए अपने किचन में, तो आप लोग जाते होंगे लेकिन जहाँ मेहमान आए हैं वहाँ हम आपको किचन में लेके चलते हैं, आइए और आपको कुछ खिलवाते पिलवाते हैं। अब हम चूसें, और मैंने सुना है कि आपकी जो दिल्ली वाली बिरयानी जो आप पकाती थी, इधर इस तरफ आ जाए, दिल्ली वाली बिरयानी पकाती थी अफशा जी, वो बड़ी मशहूर थी। आप आ गए, मैं तो ये प्लीज आफ्टर यू, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इतनी चीजें आप लोगों को कैसे पता चल गई। सब पता है, कुछ रिसर्च जो है ना जरा, उन्होंने भाई यहाँ पे रिसर्च है, फुल मार्क्स। सो ये खाना जो इन्होंने बनाया है ये क्या है नौरीन, जरा इनको बताएं, मुतारिफ कराएं। एक मैंने बनाया बादामी कोरमा मटन का, ठीक है, शीरवाल के साथ वो सर्व किया, और एक हमने बनाया है स्पिनच चिकपी, मतलब पालक के पत्तों के साथ एक चाट बनेगी, तो वो छोले और सारी चटनियां हैं, सारी चीजें हैं, तो उसके साथ ही होगा। और ड्रिंक कौन सी बनाएंगे? लस्सी, 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 खट्टी मीठी लस्सी, लस्सी। किस कदर अच्छी प्रेजेंटेशन, माशाल्लाह, थैंक यू। आप लोगों को है दावतों का शौक, और ये मतलब दिल्ली वाली बिरयानी तो है आपकी? मैं सिर्फ एंटरटेन घर पर ही करती हूं। अच्छा, और आप कुछ पकाती पकती हैं किचन में जाती हैं? शौक नहीं है खाना पकाने का? नहीं था, अब नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। क्या एक्सपर्टी है तजीन की, क्या अच्छा पकाती है? बस मैंने कहा ना था, अब नहीं है। अच्छा चलिए, आई लाइक हैविंग पीपल ओवर। अच्छा, एंटरटेन करने का खाना मैं होम डिलीवरी करा लूंगी। नहीं वो है, पक्का पक जाता है। अच्छा, खाने का तो शौक होगा, खाने का क्या शौक है अफशा जी, आप बताएं पहले, फिर तजीन आप बताओ। मुझे क्या शौक? हाँ, खाने का क्या शौक है? मुझे हर किस्म की सब्जी पसंद है। अच्छा, अलावा अरवी के सब्जियां बहुत पसंद हैं मुझे, सूप्स पसंद हैं। अब ये है कि दिल चाहता है कि फीके खाने ज्यादा खाऊं। हाँ। मिर्चे मैं वैसे भी कभी ज्यादा नहीं खाती थी, मगर अगर कहीं मैं चली जाऊं जहां मिर्चे हो, मैं आई कांट टॉलरेट इट, फिर मुझे दही के साथ खाना पड़ता है। और आपको क्या शौक है खाने? अच्छा, मैं तो फुल देसी भाई। बर्गर्स पिज्जास वगैरह मेरे लिए नहीं है, आई लव वेजिटेबल्स, भुजिए मुझे हर तरह की बहुत ज्यादा पसंद है। I'm not too much of a गोश्त eater. अच्छा। हाँ, वो गोश्त मुझे इतना ज्यादा नहीं पसंद, लेकिन मगर बंस रोड का खाना, ढाबों के पराठे, है ना, मिठाइयाँ, हलवा, हाँ, नो केक्स, नो चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, हलवे, फुल देसी, बस देसी, फुल देसी। अच्छा मुझे ये बताएं, मेंटेन कैसे रखा है अपने आप को हमेशा से, क्या कभी? ये तुम पूछ रही हो मुझसे? याद मैं तो मेरी मजबूरी है, मेरी तो रोजी रोटी यही है। मैं देख के इंस्पायर हो गई। अच्छा, एक था के
हेल्थ के लिए वेट को कम करना सही होता है. जैसे जैसे आप एज में बढ़ते हैं, मेरी एज बढ़ रही है, इट्स बेटर टू बी फिटर ना. तो एक्सरसाइज, आई लव एक्सरसाइज. अच्छा अच्छा, स्विमिंग. कितना अच्छा है कि ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछ रहे. देखिए, आप, मैं अगर आपको कहीं पहले मिली थी उससे आप मुझे बहुत दुबली पतली लग रही हैं. स्मार्ट, मैं आपको मैं कह सकती हूँ, मैंने बड़े दिनों बाद आपको देखा. मगर मैं ये कह सकती हूँ कि निदा इज माय इंस्पिरेशन. अल्लाह, सच्ची बात है भाई. मेरा यू आर इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी अदर वुमेन. पता नहीं यार, लगे हुए होते हैं हम. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अच्छा भाई, अब खाना शुरू करें ना. वो पालक के पकौड़े मुझे बुला रहे हैं ना. पालक के पकौड़े. अंग्रेजी डिश को तुम्हारे पालक के पकौड़े बना दिया. ऐसे ये ले, आप लीजिए प्लीज, आप लीजिए, आप लीजिए. ये अच्छा नहीं लगेगा मुझे. शुक्रिया. ये मत समझिएगा शादी जैसी वीडियो बनेगी. देखो दूर से शूट करना हमें प्लीज. जब आप पालक के पकौड़े लेंगी ना, उसके साथ वो दही बना के दो ना. एक बना के दो है तो पालक का पकौड़ा ही ना, कुछ और. नहीं नहीं कुछ और है ये. अच्छा, कुछ दुबई से सीख के आई है बहन. अच्छा, मगर है तो है वही बिल्कुल. जैसे हमारी अम्मा ना रेस्टोरेंट्स में जाए महंगे महंगे, अब मेरा मियाँ अम्मा को बहुत शौक से लेके जाता था. अब अम्मी वहाँ जाके, हाँ ये तो वही है पुदीने की चटनी. जाहिर जो था ना बेचारा वहीं पर, आंटी क्या कर रही है. मैं अच्छी जगह पे लेके आया वो मत पुदीने की चटनी की. अच्छा, मतलब इस तरह से ये अच्छी की चीजें इस पे डाली जाएंगी. दही बड़े भी इस पे डालेंगे. नहीं, दही बड़े ये रायता है ना? और उसका कलर देखे ना मुझे तो. अच्छा, मिर्ची, आई लव मिर्चे. ये भी डाल दें, लाल मिर्च भी डाल दें, खाने की चटोरी. आई लव ऑल दिस यार. अच्छा, थोड़ा सा ये इसमें निम को जाएगा ऊपर से. ओ माय गॉड, ठीक है. एंड ये रोस्टेड पीनट्स जाएंगे. अच्छा, एंड ये जाएगा. और मेरा जो जिम वाला ऐसे ना, अगर तुम यूके बैठे हुए देख रहे हो तो तुम बिल्कुल ये नहीं देख रहे हो. सो जाओ, तुम सो जाओ. मैं रात को एक शकील भाई शक्ल दिखा रहे हैं. खाना कैसे मैं पब्लिक को दिखा तो दूं? ये ऐसे खाना है, ये जो पत्ता है पालक का उसके ऊपर सब चीजें रख के डालो. हम ऐसे करके इस पे डाल मसाला. पानी आ रहा है ये देख. मैं तो खाऊंगी ये. बिल्कुल, आप भी आइए प्लीज. आप देसी खाना पसंद करती है या अंग्रेजी? नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे देसी बहुत पसंद है. पत्ता पकड़ के और बहुत पसंद है. डबल रोटी के ऊपर जैम लगा के खाते हैं उस तरह. हाँ, मैंने कहा शादी की वीडियो नहीं बनाना कैमरे से. अच्छा भाई, मेरे अब जो सेलिब्रिटीज हैं वो खाना खा रहे हैं, सॉरी, तो मुझे यहाँ पे अब खुद हाफिज करना पड़ेगा. और अगर अभी आपने टीवी लगाया और आप करिए चीखे मार रहे हैं घर में, अफशा अहमद तजी हुसैन, परेशान ना हो. सुबह हमारे 9 बजे का टाइम मॉर्निंग शो का, उस पर आप देख सकते हैं, या अभी ही 2 घंटे में यूट्यूब पे ये अपलोड हो जाएगा शो. सो आप वो जो चीखे मारे वो चीखना बंद करें, अपनी एनर्जी को बचा के रखें, जागते रहें और देखें हमारा प्रोग्राम अगर मिस हो गया तो. थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम निकालने का. थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम. आपका शुक्रिया, आपने याद किया. और बाकी कुछ कुछ वक्त पे जब हम बातें कर रहे थे वो वाली पुरानी, सो मेरे ना मेरे गूज बम्स नहीं होते जो वो मुझे हो रहे थे, और बहुत अच्छा लगा. खुदा करे कि हम दोबारा मिले इंशाल्लाह, इसी मोहब्बत और खुशियों के साथ, इंशाल्लाह. और आप खुश रहें, आमीन, आबाद रहें सब सब, और इसी तरह रोमांस जारी और सारी रहे. रोमांस बहुत है, हमें खुशी हुई आपको. माशाल्लाह 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 जी. तो ये था आज का शान ए सहूर. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को. कल मेरी छुट्टी है, यिप्पी.